Show your style. Uh-huh. Grow up with my lifestyle. Live your dream. Uh-huh. Tension free. Uh-huh. Fly high with my lifestyle. Jito life. Jio life. मेरी स्टोरी ये, मैंने उसके पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका था, वो भी फुल टाइम। मैंने अपने लाइफ का कभी अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से स्टार्ट किया। 96 में सौभाग्य से मुझे ये बिजनेस मिला और 2000 में मैं इसको दुर्भाग्य समझ लिया, क्योंकि तब तक कुछ 4.5 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने फुल टाइम काम किया, NRI लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी और मेरे जो ग्रेट अपलाइन थे उस वक्त वो भी एक NRI थे, कैनेडा से आए थे। अब उनको सुन के बहुत मैं मोटिवेट हुआ था। आपके गुजरात के रहने वाले थे, नवनीत भाई देसाई उनका नाम था, और उन्होंने कहा इट्स अ वेरी वंडरफुल बिजनेस और बहुत कुछ ब्ला ब्ला इंग्लिश में बोल दिया, आधा तो समझा ही नहीं क्या बोले। और हम मिडिल क्लास के लोग, मध्यम वर्गीय लोग, हमारे घर में एक चीज बताया जाता है हमेशा, और ये अगर कोई विदेश गया तो बहुत बड़ा इंसान है। और हमको ये बताया गया देख तुझे भी उसके जैसा बनना है। देख वो दुबई चले गया, गल्फ चले गया, यूरोप चले गया, लंदन चले गया, अमेरिका चले गया, चाहे वहां ड्राइवर होगा, कुछ भी करता होगा, सफाई काम करता होगा, लेकिन तुझे उसके जैसा बनना है। बताया जाता है या नहीं बताया जाता है? तो जब मैं उनको सुना मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, बोला यार क्या इंसान है। कैनेडा अमेरिका में थे, अमेरिका से कैनेडा शिफ्ट हुए, कैनेडा में उन्होंने बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया, फिर इंडिया में आए थे 96 में, हमको बता रहे थे, और मैं बहुत उत्साहित हुआ और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने फुल टाइम किया और उस बीच मुझे MBA में आपके पास में इंदौर में देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला था, लेकिन मैंने MBA नहीं किया, मैं अपनी मास्टर डिग्री किया, मैंने MCOM किया और साथ में मैं ये बिजनेस किया। 4.5 साल 5 साल काम करने के बाद ये समझ में आया यार ये बिजनेस में मैं काम तो बहुत कर रहा हूँ, फुल टाइम काम कर रहा हूँ, अच्छी खासी टीम भी बना ली है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा था और मैं बहुत दुखी हुआ। या पैसा तो आ नहीं रहा, अब आएगा, लेकिन पैसा आया नहीं, या मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाया, मैं फेल हुआ पूरी तरह से, या मुझे करने ही नहीं आया। और मैं ये समझा शायद ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है और 2000 में मैंने इस बिजनेस को बाय बाय किया। क्योंकि जब आप दुखी होते हो, जब आप परेशान होते हो, तो दुनिया आपको सिखाती है कि आप गलत कैसे हो। सारे लोग आपको आके बोलेंगे और सबसे ज्यादा अपने घर के लोग बोलते हैं, राइट है या नहीं? तो मेरे भी घर पे वही हालत था, मेरे माँ बाप वो यही बोलते थे बेटा अब तो सुधर जा, ये सब में क्या रखा है, कुछ दूसरा काम कर ले, देख तेरे साथ पढ़ने वाला तेरा दोस्त आज 20,000 ले रहा, वो देख आज ये कंपनी में उस पोस्ट पे, तूने क्या किया पागल, अपना MBA भी छोड़ दिया, ये सब फालतू काम के चक्कर में पड़ गया, क्या मिला तुझे? मैं भी सोचा यार क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला। और बहुत दुखी हुआ और मैंने बिजनेस को बाय बाय किया, ट्रेडिशनल बिजनेस करने का सोचा। मैं बोला चलो कुछ दूसरा काम में हाथ आजमाते हैं, बिजनेस करना था ये माइंड में सेट था, मुझे बिजनेस करना है। और मैंने एक छोटी सी दुकान स्टार्ट की, मैं एक दोस्त के साथ मिलके, एक गिफ्ट आर्टिकल का, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में ठाणे करके जगह वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी फेल रहा। मैंने और एक छोटा सा होटल चलाया कुछ दिन, लेकिन वो भी फेल रहा। ऐसे 2-3 साल छोटे छोटे काम किए, लेकिन कोई भी काम मेरा सक्सेस नहीं हुआ। मैंने हर वो काम करने की कोशिश की जहाँ से मैं पैसे बना सकूँ, और स्पेशली वो काम बहुत किया जो फुकट के काम होते, फोकट के समझते हो, मैं LIC एजेंट भी बना था उस वक्त, वो बात अलग है, मैंने किसी की पॉलिसी नहीं निकाली। हाँ मैं भी खुद की नहीं निकाली, किसी और ने मैं भी पॉलिसी निकाली, सोचो कैसा LIC एजेंट होगा। मैंने प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम चालू किया, प्रॉपर्टी डीलिंग आज तक किसी को कुछ दिया नहीं, कुछ बेचा नहीं, लेकिन नॉलेज बहुत लिया मैंने, किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं। और मेरे जिंदगी के मैंने करीब करीब 8 साल ऐसे ही वेस्ट किए, 8 साल। और 8 साल के बाद मैंने दुनिया के एक दूसरी रूप देखी, और दुनिया क्या होती, मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया और तब आप नहीं देखते हो जब आपके पास पैसा हो, दुनिया तब आपको दिखाई देती है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है। और ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है, और भगवान ना कहे ये दिन किसी को आए, लेकिन सच कहता हूँ मैंने उस वक्त की दुनिया देखी जब जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे, पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट, और तब पता चला लोग क्या होते हैं। और मैंने ये महसूस किया है आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई भाई है, ना कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। आज की दुनिया केवल एक ही भाषा समझती है, आपकी जेब की भाषा। अगर जेब में नोट है दुनिया सलाम करेगी, अगर नहीं है
तो दुनिया छोड़ो, अपने घर में अपनी कीमत बिकजीवो, दुनिया तो छोड़ो। और मैंने वो दौर देखा मेरे लाइफ का जो बहुत ही मुश्किल भरे दिन थे। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा दुखी थे और ये सोचते थे लड़का किसी तरह से सुधर जाए। बार बार बोलते थे तू कुछ कर, अच्छा काम कर, ये सब मत कर, उठपटांग काम क्यों बिजनेस करता है, हमारे लिए बिजनेस नहीं बना, अच्छा खासा नौकरी कर ले कहीं। और मैं बोला था मैं नौकरी नहीं करूँगा। और बिजनेस करते करते ये हालत हुई कि 8 साल हो गए एक रुपया कमा के दिया नहीं। माँ बाप बोले ठीक है तू कमाता नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे का क्यों लेता है। और मैंने इतने सारे झोलझाल किए थे, झोलझाल आप समझते होगे शायद, हाँ बहुत सारे उठपटांग काम किए। और मैंने कोई बैंक ऐसी नहीं थी जहां से मैं लोन नहीं उठाया था। जहां पे मैं रहता था उसके आसपास, यानी ठाणे से मैं कुबला से लेके भिवंडी तक मैंने बैंकों के लोन ले लिए थे। और बैंकों में क्या क्या सेटिंग चलती उस वक्त पता चला, हमारे जी के पटेल सब जानते भी होंगे। उस वक्त मालूम पड़ा लोन लेना, लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है, मुश्किल तब नहीं होती है, जब देना होता है तब बड़ी मुश्किल होती है। बहुत लफड़े। दूसरा भीसी समझते हो, भीसी भीसी चलती है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यहाँ पे, भीसी बोलते, भाषा एक ही सब जगह। उसमें भी पैसे लगाए और पहला हाथ उठा लिया, बोली बोली समझते हो, बोली बोली ऑक्शन ऑक्शन, हाँ ऑक्शन। और मैं तो जो भाव में मिले उठा लेने का, लोग बोलते पागल इतना महंगा लिया, अरे पहले दे तो दे देगा बाद में सोचेंगे, मिले तो ये सारे ढोल किए। और ऐसे कब के मैं खुद को सोच रहा था मैं बहुत होशियार हूं, बाद में पता चला मुझसे बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि एक खड्डा बुझाने के चक्कर में 10 खड्डे, और मैं खुद को होशियार समझ रहा था। और तब पता चला दुनिया भर के लोन के अंदर में डूबा हुआ इंसान। और उस वक्त घर के लोगों ने मुझे कहा तू बहुत बड़ा इंसान है लेकिन तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं है। और मेरे पिताजी बहुत सज्जन आदमी, उन्होंने कभी लोन से 10 कदम दूर रहने वाले इंसान, और मैंने किसी को छोड़ा ही नहीं लेने के मामले में, जिससे जो मिला 5% 10% उठाने लगा, क्योंकि लाइफ को बहुत मुश्किल हो गई थी जीना। और उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, जो समझा मैंने किया, और फिर बाद में पता चला लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, क्योंकि वही समझ सकता है जो लोन लिया हुआ है, बड़ी अच्छी तरह समझ सकता है जो मांगने वाले कैसा पीछा करते। और जो मांगने वाले होते ना ये बहुत खतरनाक होते, ये कभी भी आपके घर के पास आएंगे ना अंदर आके नहीं मांगते, कहाँ मांगते हैं लोग, हाँ सब लियो लगता है, दरवाजे पे खड़े होके मांगते ना। और इतना जोर से चिल्ला के बोलेंगे ना सबको सुनाई देता आजू बाजू वाले को। अब इनको ये लगता है जोर से मांगूंगा तो ये दे देगा। और मुझे तो घर क्या, मेरे तो पूरे मोहल्ले में पता था यादव का लड़का नालायक है। भाई जरा धीरे से बोल, अंदर बैठ के बात कर, नहीं तो मिलता नहीं है, दिखता नहीं, कहां रहता है बता। बोला और चिल्ला, चिल्लाने से मिल जाएगा, चिल्ला किसको बता, सबको पता अपन नालायक है, बोल तू। ये हालत थी उस वक्त। और लाइफ बड़ी मुश्किल होती है उस वक्त, बहुत मुश्किल। घर के लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था लड़का कोई काम का नहीं, नालायक है। मेरे माँ बाप मुझसे दुखी, मेरी बीवी मुझसे दुखी, वो हमेशा बोलती थी पता नहीं मेरा नसीब खराब था ऐसा इंसान मेरे गले में आ गया। और मेरी अवेंज बेबीज समझते होंगे आप लोग, अवेंज बेबीज में एक फायदा होता है, इल्जाम अपने ऊपर डायरेक्ट नहीं आता है। मैं बोला इनको अभी करनी थी ना, इनको अभी करते ना शादी से पहले, हाँ तो किया था तब अच्छे खासे लगे थे हमको, तो डिटेल में इनको अभी करना चाहिए, ऊपर से तो सब अच्छा लगता है, आदमी डूबा हुआ है। और शादी भी मैंने प्रेशर में कर ली घर के वजह से, उनको लगा इसकी शादी कर देते सुधर जाएगा। और मैं बिगड़ा ही नहीं था, सुधरा तो पहले से था, बात अलग है पैसे नहीं तो क्या करूं। बहुत हालत खराब था। मेरे माँ बाप हमेशा मेरी वाइफ को बोलते सुधार सुधार तेरे पति को, सुधार उसको, कुछ अच्छे लाइन लगा उसको, क्या करता है समझता नहीं है, दुनिया भर के लोग इसको ढूंढते हुए आते। वो बोलती थी मैं क्या सुधारूं, तुम्हारा आइटम तो पहले से गया हुआ है, मैं कहां से सुधारूं, मैं तो खुद ही दुखी, मेरा नसीब खराब जो ये आ गया। और ऐसे झगड़े होते तो मैं एक चीज जानता हूं, जिनके घरों में इनकम नहीं आती है, पैसे नहीं आती है, उनके घरों में बिना बुलाए झगड़े आ जाते, बुलाना नहीं पड़ता है अपने आप।
आ जाता है। मेरे भी घर पे बहुत होता था झगड़े, कई बार मुझे भी गुस्से में माँ बाप बोलते थे तू नालायक है, किसी काम का नहीं, जा हमारे घर से निकल जा। मैं भी गुस्से में बोलता था, जाता हूँ, चले जाता था। दिन भर भटकता था, रात को वापस आता था। हाँ रात को कहाँ जाएंगे, तो बोलते सुबह तो बड़े गुस्से में गया था। हाँ तो सुबह वापस चले जाऊंगा, अपना तो काम ही यही था, सुबह कितना जल्दी निकलूं, क्योंकि मानने वाले आएंगे ना, और रात को आने का कोई ठिकाना, जितना लेट हो सके जाओ, मांगने वाले सब आके चले गए। और फिर घर पे जाने के बाद फिर चालू हो जाता था। एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन शांति से खाना मिला हो, खाना तो मिलता ही नहीं, तो अपन वैसे ही बेशरम थे, जबरदस्ती खा लेते थे। अब कमाने वाला नहीं, उसको कौन खाना खिलाएगा, ये हालत थी। तब पता चला यार पैसे की कीमत क्या होती। सच बताता हूँ, लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ना, एक एक रुपये का इंपॉर्टेंट मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और बिना पैसे के लाइफ बहुत मुश्किल होती है, और ऐसे मुश्किल दौर से मैं गुजर रहा था उस वक्त में। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा राजेश बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें ज़िंदगी बनती है। मैंने उनको पूछा आप कब से कर रहे हो, बोले एक साल हो गया। बोला अच्छा हुआ मुझसे मिल लिए। बोले क्यों, मैं बोला अभी एक ही साल हुआ, अभी ये बच जाओ। मैंने 5 साल किए कुछ नहीं मिला। नहीं, बोले बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसा आता है। उन्होंने सब दिखाया मुझे, अपना इनकम प्रूफ ये वो सब, लेकिन मैं सुनने को तैयार नहीं था, मैं मानने को तैयार हूँ। अपना माइंड पहले से ही नेगेटिव, ये सब इनकम भी सेटिंग वाला ही होगा, क्या पता आता है कि नहीं आता है। माइंड तो ऐसा नेगेटिव ही सोचता है ना हमेशा, क्योंकि इंसान नेगेटिव है। तो हम भी वही नेगेटिव, उनको बहुत समझाए नहीं किया, उन्होंने मेरा बहुत फॉलोअप किया। आप लोग फॉलोअप करते हो ना, फॉलोअप करते हो या नहीं करते हो? उन्होंने भी मेरा बहुत फॉलोअप किया, एक दो दिन नहीं, 2 से 2.5 साल मुझे बताते रहे, मैं सुनने को तैयार नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैं भी उनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती इसलिए हो गई कि बड़े अच्छे इंसान हैं। जब भी आते थे मुझे फोन करते थे, कहाँ हो, बस बोलो क्या काम है, आओ मिलते, मुझे पता है जाएगा अभी 1 घंटा ये पकाएगा और गोल गोल बनाएगा। फिर भी जाते थे अपन, क्यों, अपने को तो टाइम पास करना था। और खास बात ये थी, जब भी मैं उनसे मिला, आज तक ऐसा एक दिन नहीं है उन्होंने मुझे चाय और नाश्ता नहीं करवाया। मैं तो जाता ही इसीलिए था, ये कब बंद करेंगे, कब कुछ आएगा। सोचो कितना नेगेटिव इंसान ना मैं। और कई बार उन्होंने बोला तू नहीं करता तेरे दोस्तों को तो बता। मैं बोला ठीक है, लाया 2-4 लोगों को पकड़ के। अब उनको पहले ही बोल के लाया, देख एक बड़ा अच्छा इंसान है, 1 घंटा लेकिन सुनना पड़ेगा, 1 घंटा पकाता बहुत है, सुनना पड़ेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद जो खाने का ना बिंदास मंगाना, आदमी दिलदार है, और पार्टी अपने तरफ से आ जा, टेंशन मत ले। और वो किसी अच्छे होटल में ही रुकते थे, लोग मुझे जाके बोलते थे पागल इधर लाया, पैसा है क्या तेरे पास, तू चिंता मत कर, वे चल तो अंदर, क्या समझता है यार। अपने को भले ही यहाँ मुंबई में कोई नहीं जानता, पूरी हिंदुस्तान जानती, पता है क्या, दूर दूर से लोग मिलने आते अपने को। अब वो चेन्नई से आते थे, क्या बात करता है, तो उधर भी कुछ लिया है क्या, लिया नहीं है यार, अभी आया उसके पास, कोशिश किया लेकिन दिया नहीं उसने, बात अलग है। मिलाया सब, ये 2 लोग आए मेरे दोस्त, बताओ इनको, तो उनको बताए बिचारे बड़े प्यार से दिल से, वो भी 1 घंटा सब बताए समझाए। 1 घंटे के बाद बोलते क्या करो, बोला सब कुछ चाय वाय, हाँ 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 ओके, ऑर्डर किए, खाए पिए, बाहे बाहे। बोले तू ये क्या नया चालू किया, बोला चालू नहीं किया यार, तुझे खिलाने के लिए लाया था, खा। तो तू नहीं करवाए क्या, पागल है क्या, ये सब काम करेंगे क्या अपन, ये तो अच्छा आदमी बेचारा पीछे पड़ता है, 2-4 ला मैं लाता हूँ पकड़ के, तेरे को आज लाया, खाया ना, करना है कर, नहीं तो जा चल। ये सोच के आदमी, सोचो कितना नेगेटिव थिंकिंग थी ना, मैं भी बहुत नेगेटिव इंसान। और ये आपको झूठ लगता होगा, ये फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूं, जिस व्यक्ति के साथ ऐसा किया ना यहां पे आज हैं, अभी मिलेंगे आपको आके, उनको पूछो मैंने कितना उनको घुमाया। और जब दिमाग खुली, मैं बहुत दुखी था, मेरे घर के लोगों ने भी मुझे नाकारा बोल दिया, घर से वार्निंग दे दिया था तू कुछ नहीं कर सकता है, तू एक काम कर घर में मत रह, तू अपनी बीवी को लेके जा यहां से, जाऊं किधर, रास्ता ही नहीं है कुछ, तो हमारे घर से निकल जा, बाप को तो बोल नहीं सकता, तुम निकल जाओ, घर उसका है। बोले तुझे रहना है तो हमारी शर्तों पे,
तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। मैं भी मान लिया, बोला ठीक है। अब उनका एक ही था, हम लोग बहुत छोटे क्लास से, मिडिल क्लास से आए हुए लोग, उनका एक ही था, तू बाबा कमा मत चलेगा, लेकिन मांगने वाले नहीं आने चाहिए। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास ना, हम लोग को इज्जत बहुत प्यारी होती है। अब हमारे घर की एक सोच ऐसी, दो रोटी कम खाओ, इज्जत से जियो, मांगने वाला नहीं आना चाहिए। अपन तो फुकट का खाते भी थे, मांगने वाले भी बहुत आते थे, अपना पूरा उल्टा था। तो तू नौकरी करेगा, और मैं भी बहुत दुखी था, काम धंधा नहीं था, पैसे की बहुत तंगी थी, लोगों के देने बहुत थे, 25-26 लाख के कर्जे में मैं डूबा था। और मैंने कहा ठीक है चलो नौकरी करता हूँ। मैंने पहली बार नौकरी करने की सोची, और मैंने ज़्यादा नहीं 2-2.5 साल ही जॉब किया। और 2-2.5 साल के जॉब के बाद इस बिजनेस को मैंने एक नए नज़रिए से देखा। उस वक्त तक मुझे समझ में आ गया कि यार इस बिजनेस में पैसा आता है। एक इंसान अगर चेन्नई से आके पिछले 3 सालों में ये बिजनेस डेवलप कर रहा है तो कुछ तो बात है। और 2.5 साल के बाद मैं खुद उनके पास गया, बोला सर मुझे भी ये बिजनेस करना है। बोले बहुत जल्दी समझ गया तू। अब उनको लगा ये वापस मेरा मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं कई बार उनका मजाक बहुत करता था, दोस्ती थी ना, तो दोस्ती में आदमी हंसी मजाक ही करता है ना। तो मैं तो उनको कई बार पूछता था, सर सच बताओ आपको चेन्नई में आदमी नहीं मिलते, इसके लिए इधर आते हो ना मुंबई में। तो ऐसे हंसी मजाक मेरा चलता था। वो बोले यार तू नहीं समझेगा। और फिर जब मैं उनके पास गया 2.5 साल के बाद, तो मैंने कहा सर मुझे ये बिजनेस करना है, तो उन्होंने कहा यार बहुत जल्दी समझा। मैंने कहा नहीं सर सचमुच मुझे ये बिजनेस करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने कंडीशन डाली, सोचो। बोली क्या कंडीशन है? बोला कंडीशन एक ही है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होगा मैं पैसे कमाऊंगा। बोले फिर क्यों करना चाहता? नहीं आपको आ रहा है, सोचा मुझे भी आ जाएगा। ये विश्वास दिला, क्योंकि पता है ना क्या है ना, मैं बहुत बुरी तरह से मार खाया इंसान। मैंने जो भी काम आज तक किए ना, मैं कहीं से पैसे नहीं कमाया, कहीं से नहीं कमाया, डुबाया पैसे मैंने। और इस बिजनेस में कमाऊंगा ये विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। मुझे एक चीज की गारंटी दे दो आप कि इसमें से पैसा आएगा, बस। बोले यार गारंटी है, यही तो इतने साल से तुझे बता रहा हूं पैसा आएगा। मैं बोला सर वो गारंटी नहीं चाहिए, आप दोगे क्या ये बोलो? और कंपनी देगी नहीं देगी मुझे नहीं पता, आप दोगे क्या ये बोलो? बोला मैं भी गारंटी चल लिख के दूंगा तुझे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैंने बोला बोलो सर। उन्होंने बोला मैं भी एक ही शर्त है, मैं तुझे पिछले 2.5-3 सालों से देख रहा हूं, मैं जो भी तुझे बताता हूं तू उसका हमेशा उल्टा ही बोलता है। मैं बोलेगा बिजनेस चलता है, तू बोलता नहीं बंद होता है। मैं बोलता हूं पैसा आता है, तू बोलता सिटिंग है। मैं जो भी बोलूंगा तो उसका अपोजिट बोलता है, और तेरा दिमाग बहुत चलता है। बोला हाँ वो तो बात है सर, ये दिमाग की वजह से तो यहाँ खड़ा हूं मैं, ऐसे थोड़ी लोगों ने 25-26 लाख दे दिए मुझे। तो बोले यही गड़बड़ है तेरे अंदर, यही गड़बड़ है, तुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुझे ये बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो पहली कंडीशन क्या है? अपना दिमाग चलाना। तैयार है क्या? बोला सर लेकिन पैसा आएगा क्या बोलो? बोले मैं बोल रहा हूं ना पैसा आएगा। बोला पक्का? फिर आप बोल दिए ना आज से दिमाग नहीं चलाऊंगा, लेकिन पैसा आना चाहिए। और बोले कितना चाहिए? बोला सर ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे कोई करोड़पति बनने का शौक। एक डूबा हुआ आदमी क्या करोड़पति बनेगा यार? क्या उसके सपने थे? कोई सपना उपना नहीं था, अपना एक ही सपना था, ये कब्जे से बाहर आ जाओ, घर पे जाऊं ना शांति से सो सकूं। साले एक बेल भी बजा तो हाय कौन आया यार, वैसा नहीं चाहिए। घर पे गया तो माँ बाप की गाली, इसकी गाली, उसकी गाली, बीबी नाराज, सब दुखी है, वो नहीं चाहिए मुझे। बोले कितना चाहिए? बोला सर ज्यादा नहीं, 25-26 लाख का लोन है बस, वो खत्म हो जाए मैं सुखी इंसान हूं। बोले कब तक चाहिए? सच बताऊं जैसे ही पूछे ना मैं बहुत खुश हुआ, मैंने हाथ जोड़ के बोला प्रभु अभी दे दो, बहुत जरूरत है, सच में बहुत जरूरत है। बोले पागल है क्या, ऐसा थोड़ी कोई देता है। बोला आप ही तो पूछे कभी चाहिए। नहीं कब तक चाहिए मतलब थोड़ा समय देना पड़ेगा यार। बोला यार अभी तुझे बोला तू दिमाग वापस तू चालू हो गया। बोला सर देखो मुझे बहुत जरूरत है तो मैंने बता दिया अभी चाहिए, आप बताओ कितना समय लगेगा। बोले ऐसे नहीं होता है, 2-3 साल तो लगे। बोला 2-3 साल? बोले नहीं जल्दी भी आ जाएगा, लेकिन 2 साल तो तू पकड़ के चल, 2 साल तक मैं जो बोलूंगा तुझे करना पड़ेगा, पैसा पक्का आएगा। मैं बोला एक चीज याद रखो, नहीं आए तो आपसे लूंगा। बोला हाँ मैं तो गारंटी दे रहा हूं ना, सच बताता हूं वो दिन है और आज का दिन है। उस दिन से लेके आज तक
2004 में मैं उनको दोबारा जब मिला इस बिजनेस के लिए, और मैंने ये उनसे, उन्होंने ये कंडीशन रखी, तू दिमाग नहीं चलाएगा, मैंने कंडीशन रखी मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने, लीडर क्या होता है ये मैंने सीखा उनसे, लीडर वो होता है जो लोगों को विश्वास दे सके यार, वो लीडर होता है विश्वास दिला सके। इतनी दुखी आदमी को, इतने नेगेटिव इंसान को उन्होंने विश्वास दिला दिया ये होगा, और मैंने उनकी बात माना, ठीक है सर आज से आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। 2004 और 2017, सच बताता हूं मुझे पता ही नहीं मेरे पास दिमाग है या नहीं है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं किया ना, उसके पहले बहुत इस्तेमाल किया था, और जब इस्तेमाल किया तो देखो कब्जे में डूबा, और जब इस्तेमाल बंद किया तो कामयाबी पे कामयाबी मिलने लगी, और यही काम मैंने किया, उन्होंने जो बोला मैंने किया। इस बिजनेस का सबसे बड़ा सक्सेस सीक्रेट जो मैंने सीखा, ये आपके जो सक्सेसफुल लीडर हैं, जो कामयाब लीडर हैं, वो जो बोले आपको, आप उस पर ब्लाइंड फेट कर लो, ब्लाइंड फेट समझते हो ना, अंधविश्वास की तरह, मैंने वही किया। उन्होंने कहा ये दिन नहीं है रात है, मैं देख रहा हूं सूरज डूबा है, साला 44 डिग्री टेम्परेचर है, धूप बड़ी कड़क है, यस सर रात है, अपने को क्या पैसा दो, आप जो बोलो रात है, ओके मैंने मानी उनकी बात, और जो बोले मैंने किया, और यही काम करना है। जिन जिन लोगों ने, मैंने ही नहीं हमारे सारे लीडर लोगों ने, जिन जिन लोगों ने ये काम किया वो सब इस बिजनेस में लाखों करोड़ों कमा लिए, और जिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाए अब दिखते ही नहीं कहां है वो लोग, उल्टा है ये बिजनेस। बाकी बिजनेस में आप दिमाग लगाओ कामयाब हो जाओगे, लेकिन इस बिजनेस में जो लोग दिमाग लगाए वो सब नाकामयाब हो गए। अब आप क्या करना चाहोगे बताइए, दिमाग लगाना चाहोगे या नहीं लगाना चाहोगे? अपना दिमाग मत लगाओ, जो आपके लीडर्स बैठे ना ये जो बताएंगे वही फॉलो करो, मैंने वही किया, और उसका नतीजा ये है आज मेरी जिंदगी में, मैं आया था केवल 25-26 लाख रुपए कमाने के लिए, अपनी लाइबिलिटी से बाहर आने के लिए। कई बार मुझे भी लोगों ने पूछा तेरी कंपनी डूब गई तो बंद हो गई, तो मैं बोलता था साला कुछ भी हो जाए 25 लाख कमाने तक तो बंद नहीं होने दूंगा। उसके बाद का अपने को पता नहीं, अपना गोल है इतना तो मैं लेके रहूंगा। विश्वास ये आ गया अंदर, और गया लोगों के पास, बातें की, इस बिजनेस यही है, लोगों को मिलो बातें करो, लोगों को मिलो बातें करो, यही काम है बाकी कुछ नहीं है। और वो किया मैं उनके साथ वह के जो चीज अच्छी लगी वो भी किया, जो नहीं अच्छी लगती थी वो भी किया मैंने, और उसका नतीजा है इस बिजनेस ने मुझे बहुत सब कुछ दिया। और उस ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे इतने मेरी नेगेटिव बातों को झेलते हुए भी मुझे अपनाया, और मुझ जैसे नाकामयाब इंसान को उन्होंने ये विश्वास दिलाया तू भी जिंदगी में जीत सकता है, और आज मुझे, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। ऐसे मेरे ग्रेट 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 अपलाइन लीडर, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे सब कुछ है, ऐसे ग्रेट हमारे फाउंडर लाडले, हमारे डायमंड लीडर श्री दयानंद सर जी को तहे दिल से वंदन करता हूँ, ग्रेट इंसान को। और इस बिजनेस ने मुझे पूरी मेरी दुनिया बदल दी, इस माई लाइफ स्टाइल के बिजनेस ने, यही वो है एक मंत्रा है माई लाइफ स्टाइल का जो उन्होंने मुझे दिया, और मैं इसे लेके घर 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 घूमा, और उसके बाद मैं भी पूरी दुनिया बदल गई। क्या करना होता है माई लाइफ स्टाइल में? आप सब लोग कामयाब बनना चाहते हो ना? Yes. पक्का? Yes. अच्छा कितने लोग यहाँ पे दुखी हैं अपने लाइफ को लेके? क्या बात है, सब दुखी है, सारे दुखी हो, इसके लिए यहाँ बैठे? सच बताता हूं मैंने आज तक इतना बड़ा दुखी आत्माओं का सम्मेलन नहीं देखा, सारे दुखी बैठे यहां पे। इन दुखी लोगों का दुख दूर करने का एकमात्र फॉर्मूला यह है, बस यही फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है, यही है। जिन जिन लोगों ने इसको दिल से अपना लिया सबके दुख दूर हो गए। इसके अंदर आपको भगवान दिखना चाहिए, इसके अंदर जीसस दिखना चाहिए, इसके अंदर अल्लाह दिखना चाहिए, सब कुछ इसमें दिखना चाहिए। और जिन लोगों ने देखा, मैंने देखा अपनी लाइफ में, अपने दुख को दूर करने का ये मंत्र मेरे लीडर ने दिया, मैंने आंख बंद करके इसको फॉलो किया, आंख बंद करके इसने जो बोला मैंने किया, कभी सवाल नहीं किए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, और मेरी जिंदगी बदलने लगी। यही काम करना, मुझे भी इस तरह से मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता था। हमारे यहाँ मुंबई की मीटिंग तो खत्म कब होती पता है बात को? 10:30 बजे। अभी सब बैठे जानते हो, हम बाकी के भी लीडर जानते होंगे, 10:30 बजे वहां का जीटीएस खत्म होता है,
और खत्म होने के बाद वापस बाहर गोल गोल खड़ा कर लेते, बोलते फिर से बजाओ ताली, अभी अभी तो अंदर बजाया था, वापस ताली भी बजाओ। मुझे भी ये ताली बजाना अच्छा नहीं लगता था, ये कितना ताली बजाते हैं यार ये लोग। और कई बार तो बोलते खड़े हो जाओ बैठ जाओ, अभी कहीं को खड़े हो जाओ बैठ जाओ, बार बार करते हो यार। होता है या नहीं होता है? कभी हमारे फंक्शन में गए होगे, देखो लीडर के ऊपर फूल डालते, देखा है आपने? मुझे भी दे देते थे, देख अब वो आएगा फूल डाल, मैं कहीं को डालू, डाला। पता क्या कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? करोड़ों कमाया, अच्छा उससे क्या होगा, फूल डालेगा तुझे भी मिलेगा, अच्छा ना डाला होगा और डालता हूँ, फूल डालने से मिलेगा, ये मुझे भी पता नहीं था। कई बार तो गुस्से में डाला, ये क्या, ये कमा, ये डाला, सब काम किए यार, अच्छा नहीं लगता था फिर भी मीटिंग ट्रेनिंग में, एक ट्रेनिंग में बार बार मुझे कई बार वो बुलाया, एक बार तो मुझे केवला बुला लिया, बोलते तुम अर्जेंट ट्रेन पकड़ के आओ, एक हफ्ते बाद मीटिंग है, एक तो टिकट मिलती नहीं है, फिर भी कैसे तो जुगाड़ करके पहुंच गए, उधर गए मीटिंग चालू हो गई, बैठ गए, चलो क्या बोल रहा है ये, बोला सुन अभी बोलेगा, अरे कब से, एक घंटा हो गया, दो घंटा, बोला चैनल तो ठीक करो, आवाज नहीं आ रही समझ में, बोलते चैनल ने उसकी भाषा वैसी है। अरे दो दिन की मीटिंग मेरे को बिठाए, बोला यार जब इनकी भाषा नहीं आता मुझे क्यों बुलाया इधर, बोले देख 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 ये गांव के लड़के पैसा कमावे देख, बोला बाप रे ये गांव में बते, देखता है इनको गांव के लड़के, ये 20 लाख कमाया, 25 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, बोला बाप रे ये कैसे कमाते, पागल यही देखने के लिए बुलाया, लेकिन कुछ समझा ही नहीं क्या बोला उसने, बोले बाद में बताऊंगा, और लिख के देते थे इंग्लिश में, फिर अपन उसको पढ़ते थे, अच्छा ऐसा ऐसा किया क्या इसने, गए यार मीटिंग, अच्छा नहीं लगता था, भाषा नहीं आती, वहां जाके बैठे दो दो दिन पागल की तरह, हाँ मस्त बोल रहा है, बहुत मस्त बोलता है ये। सब काम किए यार, मुझे भी ट्रेनिंग में कई बार, ट्रेनिंग में आप भी जाते हो, मीटिंग में जाते हो, 100 रुपया लाओ, 200 लाओ, 500 लाओ बोलते है ना, आज भी दिए होंगे, नहीं दिए थे, हाँ मैं उनको बोलता था क्या आप यार, आप लोग लाखों कमाते हो, पैसा हम गरीब से मांगते हो, हाँ सोचो। और मैं कई बार उनको बोला भी, सर जिस दिन मैं कमाऊंगा ना फ्री में दूंगा, फ्री में, हाँ बोले अब भी दे, जब कमाना तब देना। और सच बोलता हूँ, जब मुझे इनकम आने लगी ना, मैंने फ्री में मीटिंग की, फ्री में मीटिंग विथ डिनर, लोग खाए भी, कई बार तो खंबा भी लाया, पियो सर ये भी, फ्री में, सब फ्री में, मुझे ये लगा कि फ्री में दूंगा तो लोग बहुत आएंगे, अब उल्टा हुआ, लोग मेवा ही खाए, मेवा ही पिए, कुछ दिए भी नहीं चले गए। और कई लोग तो पूछ के गए वापस कब आऊं, अब क्या खराब लगे वापस कब आएगा, चलो फॉर्म तो भर, कई लोग उस वक्त फॉर्म भरे, आज तक पैसा नहीं दिए, बोले वापस कब मिलेगा, तब गया उनके पास, सब ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, बोले यही तो तुझे समझाता है, तू समझता ही नहीं है, फ्री की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री में खिलाओ पिलाओ तो उनको ये लगता है इसको बहुत माल आ रहा है, इसके लिए खिला रहा है ये। फिर मुझे समझ में आया, ऐसा है क्या, बोले इतने साल से हम क्या फुकट में काम कर रहे थे, तुझे तो समझता नहीं, हमेशा हुसैन बनने की कोशिश करता है, अब फंसा तो क्या करो, टिकट लगा, और तब से सोच लिया आज तक अपन भी फ्री में नहीं दिए, वो सब काम किए यार, पहले हमको लगता सब विपरीत है, आने के बाद समझा यार ये लोग ऐसे ही नहीं सक्सेस बने हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, और ये यही बता सकते हैं, आज हम नहीं समझ सकते हैं, धीरे धीरे ये चीज आपको समझ में आने लगेगी, और वही काम हम लोगों के साथ हुआ, जैसे जैसे मैं कामयाब बनने लगा मुझे समझ में आने लगा ये बिजनेस क्या है, और मैंने वो सब चीज करना चालू किया जो मुझे बिजनेस में बताया गया। 1000 बार मीटिंग में गया, ट्रेनिंग में गया, फंक्शन में गया, बार बार गया, मुझे पता है मीटिंग में वही बार एक ही चीज बार बार बताया जाता है, मैं बोलता कितना बता दो यार, कितना सिंपल काम है, ओ एफ जी वन, ओ एफ जी टू, 12% आएगा। ये बताने के लिए दो दो दिन बिठाते हो आप, और क्या है इसमें बताओ, यही है ना, तब समझा ऐसा नहीं है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है बार बार, और फिर वही चीज जब मैंने करना चालू किया तो मुझे पैसा आने लगे, और यही चीजें इस माई लाइफ स्टाइल में जिन जिन लोगों ने किया वो सारे लोग कामयाब बने हैं। उसके लिए क्या करना होता है,
देखिए आज आपने सोचा कामयाब बनना है, जैसे मैंने सोचा सर मैं बहुत दुखी हूं, मैं कब्जे से डूबा हुआ इंसान हूं, मुझे एक आइडिया की तलाश थी, मैंने नौकरी की, कामयाब नहीं बना। 8 साल बिजनेस किया, वहां तो मैं डूबा पूरी तरह, सक्सेस नहीं बना। माई लाइफ स्टाइल देखा, विश्वास नहीं था, लीडर ने विश्वास दिलाया, आइडिया को मैंने अपनाया और ये सोचा चलो कोशिश करके देखते। मैंने ट्राई किया, कोशिश करना चालू किया। लोग यही बोलते हैं ना, कोशिश करके देखता हूँ, यही बोलते हैं ना। कोशिश कैसे होती पता है? कुछ लोग की कोशिश 2 दिन 4 दिन या 2 महीने 4 महीने, या कुछ लोग की कोशिश 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी, 10 आदमी को मिला सर, 10 को, हाँ उसके बाद क्या हुआ? बस सब समझ गया, 10 को मिला समझ गया, क्या समझा? बकवास है ये, कैसे समझाओ? 10 ने इसको समझा दिया, ये गया था माई लाइफ स्टाइल समझाना, 10 ने इसको उल्टा समझा दिया और दुकान बंद, बस हो गया, मैं फंस गया, मैं किसको नहीं फंसाऊंगा। होता है ना ऐसा, ट्राई इतना ही करते इसके आगे नहीं जाते, जबकि करना क्या आपको? डू, वापस वही काम, डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक? जब तक सक्सेस तक नहीं पहुंचते हो। ये सक्सेस का फॉर्मूला है, किसी भी बिजनेस में किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बड़ा बिजनेस का सीईओ हो, एनी फील्ड, हर किसी ने यही किया। रातों रात कोई कामयाब नहीं बनता है। पता नहीं हमारे बिजनेस में लोगों की सोच ऐसी गलत क्यों बन गई है, उनको यह लगता है माई लाइफ स्टाइल या नहीं रातों रात पैसा आएगा। नौकरी लोग 40-40 साल कर लेते, करते या नहीं करते? 40 साल मैंने देखा लोग नौकरी करते, एक ही काम करते ना, एक ही काम। कोई है यहां जिसको 25-30 साल हो गया सर्विस करते हुए? आपको हो गया सर, क्या काम करते हैं आप? इंजीनियर हो सर आप, क्या करते हो सर? सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक ही काम है ना, वही काम करते आ रहे हो ना 37 सालों से। देखिए कोई डॉक्टर होगा पूछो क्या कर रहा है, एक ही काम। और डॉक्टर तो इतने स्पेसिफाइड हो गए हैं ना, दांत का है तो दांत ही देखता है, बाकी कुछ नहीं देखेगा। कान का है तो कान और नाक और यही देखता है, बाकी हार्ट का है तो कुछ दिन के बाद तो उसमें भी आएगा, ये पर्टिकुलर हड्डी का मैं डॉक्टर हूं, इसके नीचे वाली हड्डी जो है ना नीचे डॉक्टर बैठा है, और जो इसके ऊपर वाली ना ऊपर बैठा है उधर जा। ऐसे भी आएंगे आने वाले दिनों में, एक ही काम। आंख का डॉक्टर देखो, आंख ही देखते ही देखते उसकी आंख चली गई, लेकिन आंख ही देखते आंख सालों से। कोई टीचर है देखो, टीचर भी कर रहा है ना सालों से, और टीचर भी कैसे स्पेसिफिक, जो हिस्ट्री पढ़ाता है हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, है या नहीं है? वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो सालों साल, कीप ऑन डूइंग, करते रहते वो लोग सालों साल, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल, सब उनको याद है, सारे हिस्ट्री याद है, अंग्रेज कब आए कब गए, मुगल सम्राट कब आए कब गए, सारा याद है, सबका बर्थडे सबका ये वो सब याद है, अपने बीबी का ही भूल जाता है, बाकी सब उसको याद रहता है। अब उसी दिन उसके घर में महाभारत हो जाता है, हिस्ट्री बनती है, फिर वो बोलता है जानू सॉरी, अगर तू भी कुछ महापुरुष बन गई ना मैं तुझे भी याद रखूंगा जिंदगी। होता या नहीं होता है? एक एक कौन से पेज पे कौन से लाइन में क्या लिखा है उसको याद है या नहीं है? आलस नहीं आता उनको, कंटाला नहीं आता, एक ही काम कर करके। हमारे माई लाइफ स्टाइल में लोगों को 2 महीने में आलस आ जाता है, कंटाला आ जाता है, 2 महीने बोलते सब समझ गया। अरे कैसे इतना जल्दी समझ गया तू, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं, ज्ञानी परम ज्ञानी बन गया, अभी इतना बड़ा ज्ञानी बन गया कि लोगों को ज्ञान बांटने लगा। अब और ज्ञान क्या मिला? नेगेटिव ज्ञान। 2 दिन 4 दिन का ये बिजनेस नहीं है भाई। अगर आपको माई लाइफ स्टाइल में कामयाब बनना है, ये आइडिया जो आपको आज मिली है, आपने सोचा माई लाइफ स्टाइल का जो आइडिया आपको मिली है, इसको करते वो हो सकता है 2 साल लगेंगे, हो सकता है 4 साल लगेंगे, हो सकता है 6 साल लगेंगे, लेकिन कामयाब जरूर बनोगे। और वही बनेंगे जो करते चले जाएंगे। मैंने एक बार किया, फेल हुआ, मैं बाहर निकला, 3 साल इससे दूर हुआ, 2 साल नौकरी की, वापस 2004 में आया,
जब वापस बिजनेस में आया फिर से मैंने वी अगेन स्टार्ट किया, नए तरीके से सीखा और फिर धीरे 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 कामयाबी मिलने लगी। और उसका नतीजा आज ये है कि 2017 में आज मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं इतना पैसा अपनी जिंदगी में कमा सकता हूँ। हर महीने की इनकम लोगों को बताऊं तो विश्वास नहीं होता, दो तीन बार ऊपर से नीचे देखते सही बोल रहे कि फेंकवाएगी। हाँ सच बताता हूँ, मैं कई जगह जाता हूँ, लोग बाद में आके अलग से पूछते ये पक्का सर ये आदमी को मिलो ना इसको विश्वास नहीं हो रहा है। मैं लोगों को बोलता भाई क्या दिखाऊं तुझे, तेरे को टी डी एस सर्टिफिकेट दिखाऊं, बैंक का स्टेटमेंट दिखाऊं, यही दिखा सकता हूं ना, और क्या दिखा सकता हूं। इससे ज्यादा डाउट हो तो सीबीआई में कंप्लेंट कर, वो इंक्वायरी करेगी। हर महीने की इनकम 25 से लेकर 30 लाख रुपए आती है। ये पैसे की पावर है वो भी बोलता है। क्या किया मैंने, कीप ऑन डूइंग, करते रहा करते रहा करते रहा, बस यही काम है। तो कितने लोग कीप ऑन डूइंग करेंगे, लगातार काम करते रहेंगे माय लाइफस्टाइल का लगातार। इधर तो सब हाथ उठाते हो बाहर जाके, पता नहीं क्या होता है आपको, दो दिन के बाद ही भूल जाते हो सब। करोगे ना पक्का? क्या करना है इसमें, आपको एक टीम बिल्डिंग करना है। क्या बनाना है? जो मैंने सीखा मैं आपको बता रहा हूं, टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में टीम काम करती है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपकी एक टीम होनी चाहिए। और बेहतरीन टीम जो होती है वही बेहतरीन इनकम लेता है जिसके पास अच्छी टीम है। हमारे जितने लीडर है आज के वो सक्सेस है, चाहे एनटीसी बने हो, चाहे वो आरटीसी बने हो या सीटीसी आईटीसी तक गए हैं, बेस्ट वजह सबके पास बेहतरीन टीम है और यही वजह इनकी कामयाबी का। ये टीम कैसे बनता है जानना चाहोगे? टीम कैसे बनती है? टीम बनने के लिए सबसे पहली चीज, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने आनी चाहिए। ये मेरा बिजनेस है और इसका मालिक कौन है? मैं। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? मेरी। जैसे एक नौकरी करने वाले की जिम्मेदारी कौन लेता है? जो नौकरी करते हैं, कभी आपको याद है मेरे भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं सर, कभी आपको गवर्नमेंट ऑफिस से ही आपके सीनियर ने फोन करके सुबह उठाया आपको, सर 6 बज गए उठ जाओ 8 बजे ऑफिस में आना है, कभी हुआ ऐसे? 37 साल में कभी नहीं हुआ इनके पास, सोचो कभी हुआ सर आपके लाइफ में? नौकरी करते किसी ने फोन करके उठाया आ जाओ ऑफिस में? रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको खुद की जिम्मेदारी है, मुझे अपने ऑफिस में जाना है। किसकी जिम्मेदारी? इनकी खुद की जिम्मेदारी है यार, ये समझते? एक दुकानदार को पूछो, उसकी जिम्मेदारी है अपनी दुकान की शटर कौन खोलता है, बगल वाला खोलता है आगे? कभी किसी दुकान में बोर्ड दिखा ऐसे, मोबाइल की दुकान है बोर्ड लगाया है, आपको जो भी फोन चाहिए इस नंबर पे कॉल करो तो मैं आऊंगा, देखा है कभी ऐसी दुकान? देखा है? आप बाजार में जाओ दुकान लगी हुई है, खुली हुई है या नहीं है? कभी इंतजार नहीं करता है, कोई मुझे बुलाएगा तो मैं दुकान खोलूंगा, दुकान खोल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो। वैसे माय लाइफस्टाइल आप करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप जवाबदारी लेंगे आपका बिजनेस चलेगा ही, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कोई अपलाइन आके बताए तो लोग आते, मैं सरप्राइज हूं क्यों अपलाइन बताएगा यार, आज भी कईयों को सुबह से 25 फोन किए होंगे, आना बाबा एक आज आ जा, आज केवल आ जा बस, आज ना बड़े बड़े पागल आने वाले, एक बार उनको सुन ले तू, क्या क्या बोल के लाए गए होंगे आज पता नहीं। कई लोगों को तो गाड़ी में बिठा के लाए गए होंगे, गाड़ी छे तू ये आना फ्री जाना भी फ्री, आ तू आ। कईयों को तो खाना भी खिलाए गए होंगे, कई लोग बात का इंतजार कर रहे होंगे मिलेगा भी। क्या क्या बोल के लाने पड़ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कैसे कामयाब बनेगा। और जिन जिन लोगों ने लोगों को पकड़ के लाए हैं, क्यों लाए पता है? उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, उन्होंने अपना काम किया, यही काम करना है। मेरा बिजनेस है, मैं जवाबदार हूं, लोगों को लाना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, लोगों को प्रोडक्ट देना, उनका लॉगिन करना, सब कुछ की मेरी जवाबदारी यार। अपलाइन महीना 2 महीना सपोर्ट करेगा, लाइफ टाइम नहीं। जो लोग लाइफ टाइम सपोर्ट मानते हैं वो इस बिजनेस में बड़ा पैसा नहीं कमाते हैं। सीखो, मेरा बिजनेस है, मेरे ग्रेट अपलाइन यहां उपस्थित, आप उनको पूछ सकते हो। जब वो नया मैं बिजनेस था, मैं लोगों को ले जाता था उनके पास, सब ये मेरे दो लोग, थोड़ा बताइए बिजनेस। उनका तकलीफ ये था, उनको हिंदी नहीं आती थी, 2004 की बात है, सभी जानते हैं।
इंग्लिश में बात करते थे। मेरी तकलीफ ये थी, मेरे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। बिठाया, 10 मिनट के बाद इधर उधर देखते, उधर देख, हालांकि उधर क्या, किसी तरह खत्म होता है तो बोलते क्या बोला वे, बोला साला 1 घंटे से क्या सुन रहा था, अरे कुछ बड़ा बड़ा बात कर रहा था यार, कुछ समझा ही नहीं, तू बता ना। बोला यार सबको बोला सर ये थोड़ा आप हिंदी बोलो ना। बोले तेरे को आती ना हिंदी? हाँ आती ना, तो तू क्यों नहीं बोल लेता है? फिर पता चला सीखना पड़ेगा, सीखा बताना, फिर मैं ही बताना चालू किया। उनके पास ले जाता, सब आप कुछ मत बताओ, पैसा दिखाओ आपको आता है, वो बोलता नहीं आता है, आप इतना ही दिखाओ, अपने पास तो आया ही नहीं। कई लोग आपको मुझे पूछे तुझे कितना आया, अभी तो दूसरा तू ही है, एक ही जुड़ा अभी तक, तू जुड़ आएगा, मतलब कोई जुड़ा ही नहीं तो आएगा कहाँ से। लोग पूछते ना तुझे कितना आया, बोला अगले महीने में आएगा तो तुझे दिखा दूंगा। चला आया ही नहीं, कितना आया तो जुड़ तो तब आएगा ना। चला सब ऐसे ही बोलेंगे तो कैसे आएगा। मैं बहुत उठपटांग आदमी था, बहुत सीधा कुछ भी बोल देता था मैं। बाद में लेटा, ऐसा मत बात कर, प्यार से बात कर, मुझे तो प्यार आता ही नहीं था, बोलू कहाँ से। साला लोगों ने इतनी गाली देती थी तो गाली आती थी, घर वाले गाली दिए, बाहर के लोगों ने गाली दिया, धंधे में लॉस हुआ उधर गाली सुना तो वही आदत लग गई थी। तो बोले ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे सॉफ्ट बोलना पड़ता है, सॉफ्ट। बोला अच्छा, आज इतना सॉफ्ट बन गया कि मैं खुद को ही भूल गया। जो मेरे पुराने दोस्त थे मुझे अभी देखते बोलते तू इतना कैसे बदल गया, बोला हालात ने बदल दिया, क्या करूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। दूसरी चीज, मेक एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे आप खुद एक्टिव बनो, इंडिपेंडेंट बनो, अपने टीम में भी यही आदत डालो, एक्टिव और इंडिपेंडेंट की। मेक वीकली इनकम अर्नर, हर हफ्ते पैसा आना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मे भी मेरी टीम की, पैसा आना ही चाहिए, जो भी एक्टिव काम करता उनकी। महीने का परफॉर्मेंस बोनस लेना चाहिए, रॉयल्टी इनकम लेनी चाहिए आपको। अभी हर महीने कंपनी ने लॉयल्टी बोनस चालू किया है, बैंक इनकम है, ये सारी इनकम लेने की आदत डालनी पड़ेगी, तब आपकी एक बढ़िया टीम बनेगी। जिन जिन लोगों ने ये टीम की काम किया उनकी टीम बिल्डिंग हुई, ऐसी टीम बनती है। एक एक लोगों को मिलो, समझाओ उसको, महीना दो महीना उसके साथ काम करो। आप नए लोगों को लाते हो छोड़ देते हो, लाके छोड़ो मत, उसके साथ 2-4 महीने लगे वो फील्ड में, वो नहीं जाएगा, उसको पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। नए लोग ऐसे ही है, सुनते नहीं है वो लोग, उनके पास बहाने नहीं, आज ना, आज मेरे घर पे मेहमान आएंगे, कल कल मेरा बच्चा बीमार होगा, अरे आज ही कैसे पता चल गया कल बीमार होगा, एडवांस में बता देते लोग है, नहीं नहीं आज मेरा बर्थडे है, आज एनिवर्सरी, कल ये है वो है, कुछ ना तो कुछ पटांग बोलते हैं ना, वो बहाने देंगे। ये मुझे समझना चाहिए, मुझे अगर लोगों को एक्टिव बनाना है, टीम बिल्डिंग करनी है, पहले 2-4 महीने नए आदमी के साथ दिन रात काम करो। लोग क्या करते, एक को लाए जोड़े छोड़े, अब नया ढूंढो, उसको लाए छोड़े अब नया ढूंढो, नहीं नया मत ढूंढो, जिसको लाए हो ना उसके साथ काम करो, उसको सिखाओ, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ, तो आपकी टीम बनेगी। ये काम करना पड़ेगा। और जिन जिन, मैंने यही काम किया, मैंने बहुत ज्यादा लोगों को नहीं लाए, क्यों नहीं लाए, मेरे पास तो लोग ही नहीं थे। जैसे आपको बताया जाता है ना लिस्ट बनाओ, मुझे भी बताया लिस्ट बना राजेश, मैंने लिस्ट बनाई, 60-70-80 लोगों के नाम लिखे, 70-80 लोग थे, गया सबके पास, कोई आया ही नहीं। ये सब मर्ज की दवा, सीनियर अप्लाई गया, अप्लाई के बाद सर क्या हुआ, बड़ा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, लोग खत्म हो गए अपने। आपको भी मिलते हैं ना ऐसे लोग, लोग ही खत्म हो गए। बोले क्या बात करता है, बोला हाँ सर, कहाँ है तेरी लिस्ट, ये देखो लिस्ट पूरा बकायदा बुक में, मैं एकदम सिस्टम फॉलो, जैसा बोले वैसा करता, दे देखो लिस्ट। अच्छा ये कौन है, ये दोस्त है, क्या बोला, ये बोला पहले का 10,000 कब देगा वो बता। ये कौन है, सर ये मेरा मामा है, क्या बोला, बोलता तू नालायक है। ये कौन है, ये भी दोस्त है, ये बोलता है जो पहले का उधार लिया ना उसमें भर दे तू। कई लोग मुझे ये भी बोले, तू पहले का तेरा देना बाकी है ना तो इसमें डाल दे, तो डकला कल अगले दिन से फोन करता है माल कब देगा, मैं डालूंगा तो माल मिलेगा ना, नहीं तो डाल कहां से। ऐसे ऐसे लोग मिले, नहीं आए, सब खत्म हो गई लिस्ट। बोले तभी हालत बहुत खराब है, बोला तो मैं पहले से बोल रहा हूं, तभी फेस वैल्यू नहीं है। मैं बोला फेस ही नहीं तो वैल्यू कहां से आएगी, ये लोग काम के नहीं है। बोला फिर नई लिस्ट बना, बोला नई कहां से लाऊं, चंद्रमा पे जाऊं, है नहीं लोग, इतने ही थे।
बोले ऐसा नहीं चलेगा, नई लिस्ट बनानी पड़ेगी। उन्होंने सिखाया, टीम बिल्डिंग के फॉर्मूले दिए मुझे, प्रोस्पेक्टिंग कब तू, मैंने सीखा उनसे। सर ऐसे आदमी को ला जिसका तेरा लेना देना नहीं है। मैं बोला ऐसा किसको छोड़ा ही नहीं तो लाऊं कहां से मैं, कोई होना भी तो चाहिए ऐसा। सर अपन तो पहले ढूंढते कोई, दे 2-4 हज़ार रुपया, हालत खराब है। बोला अच्छा ऐसा भी है क्या। सोचा हाँ यार, इसने तो आज तक 10 बार मांगा, साले ने कभी दिया ही नहीं, चलो इसको ही पकड़ते। फिर उस कंपनी में जहाँ पे मैंने 5 साल पहले काम कर चुके थे, वहां से कुछ लोगों को मिला, कुछ मेरे पुराने स्कूल या कॉलेज के दोस्त जो लापता हो गए थे ढूंढ ढूंढ। देखो इस बिजनेस की खास बातों में हम ढूंढ ढूंढ के लोगों को मिलते है या नहीं है। कई सारे रिश्तेदारी तभी याद आ जाती ना जब लिस्ट बनाते, अरे यार इसकी तो शादी में गए थे, इसके तो 4 बच्चे हो गए, पता ही नहीं कहाँ यार। याद आती ना ऐसी लिस्ट, कितना अच्छा बिजनेस है यार, मतलब सोने जैसा बिजनेस है यार, लोगों को जोड़ता है यार, भले नहीं जुड़े हम तो जाके जुड़ते हैं उससे। नई लिस्ट बनाई मैंने, मेरे पास बहुत थोड़े से लोग थे, लेकिन उनसे ये काम मैंने करना सीखा, उनको पकड़ा, उनके साथ फील्ड में भागा। अपने पास लोग नहीं, इसके पास तो है, चल भाई मैं तेरे साथ आता हूँ, चल दिन रात घूमे। लोगों के साथ ऐसे ही काम होता है शुरू में, और धीरे धीरे जब पैसा आने लगता है ना तो वो आपकी सब बात मानेगा, पहले दिन नहीं मानेगा। लोग सोचते पहले दिनों सिस्टम सीख जाए, कैसे सीखेगा पहले दिनों। छोटे बच्चों को स्कूल में ले जाते हैं, अभी स्कूल शुरू हुआ होगा, आप जाइए किसी नर्सरी या ऐसे स्कूल के बाहर देखिए क्या हालत होती है। छोटे बच्चे को जाता है, रोता है, बहुत चिल्लाता है, मम्मी मम्मी मम्मी, टीचर पकड़ पकड़ के ले जाती है उसको, और वो कई माँ पीछे, सभी माँ पीछे भी दुखी, 3 घंटा बच्चा मुझसे दूर रहेगा, बार बार देखते संभालना इसको, इसको संभालना। हाँ अबे हाथ उजा संभालेंगे, होता है या नहीं होता है। और 10 दिन के बाद बच्चे को आदत लग गई, 10 दिन के बाद बच्चा उदवी से स्कूल से बाय मम्मी बाय बाय बाय, होता है या नहीं होता है। पहले दिन आदत, अब उसको आदत लग गई। वैसे हमारे बिजनेस में पहले दिन आदत नहीं लगेगी, उसको साथ में घूमोगे, उसके साथ बातें करोगे, उसको सिखाओगे, उसको नेगेटिव लोग काटेंगे तुम उसको बचाओगे, उसने काटा ना ऐसे मुझे भी बहुत काटा, चिंता मत कर, चल 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 अपन दोनों है। संभालना पड़ेगा उसको, संभाल संभाल के ले जाओगे तब आपकी टीम बनती है। और टीम बनाने में कुछ चीजें बहुत ध्यान है, किस तरह के लोग चाहिए आपके पास, कैसे लोग आएंगे। एक एम्बिशियस लोग जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं ये आपके टीम में आ सकते हैं, इनको अपने टीम में जोड़िए। फेस वैल्यू, जिनकी अच्छी फेस वैल्यू होती है, अच्छी पर्सनालिटी, जैसे हमारे हविस सर की है, सीएन पटेल सर की है, जीके पटेल सर की है, ऐसे लोग। क्रेडिट वैल्यू, इनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है सोसाइटी में, समाज में, अपने लोगों के बीच में, ऐसे लोग। सिस्टम फॉलोवर, जो सिस्टम को फॉलो करे, जो बिजनेस बताता उसको फॉलो कर सके, और हार्ड वर्कर। ये 5 क्वालिटी होनी चाहिए, इस 5ों होनी जरूरी नहीं, 5 में से 2 या 3 भी चलेगी, जब भी नहीं 5। अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं था, पैसे की बहुत जरूरत थी क्योंकि मैं कब्जे में डूबा था, यही था। फेस वैल्यू बिग जीरो, क्रेडिट वैल्यू ये तो नाम ही नहीं था। सिस्टम फॉलोअर में धीरे धीरे बना, पहले मुझे नहीं अच्छा लगता था मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, धीरे धीरे मैं फॉलो करने लगा। हार्ड वर्कर था, दिन रात गायब रहता था मजबूरी में, लेकिन था। और इसी वजह से इसमें से 2-3 चीज़ें भी आपके अंदर हैं, आप सोचो आपके अंदर क्या है, इसमें से उसी 2-3 चीजों को आप पकड़ के रखो और आप कामयाब हो जाओगे। यही है, ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं मार्केट में। आपकी जो टीम है, आपके पास जो लोग हैं, उनके अंदर इसमें से कौन सी चीजें आप आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर उसके जोर दो और उसको उस तरह से तैयार करो। कई लोग ऐसे मिलेंगे, काम वाम नहीं करेंगे कुछ, लेकिन उनकी फेस वैल्यू बहुत है, और जिसको बोलेंगे ना 2 ID नहीं 10 ID ले लेगा। हाँ बोल कितना डालना है, 50,000 ला भाई डाल, वो काम नहीं करेगा, आदमी देगा आपको, है ना ऐसे लोग। उनके साथ वही काम करवा, तू आदमी ला भाई, तू कुछ मत कर, मैं करूंगा ला। सुबह में ऐसे ही करना पड़ता है, फिर उसमें से कुछ तैयार हो जाएंगे जब पैसा आने लगेगा धीरे धीरे। ये टीम बनाने का एक फॉर्मूला है, किस तरह के लोग चाहिए। और इस टीम बनाने में रिलेशनशिप बिल्ड करो, एक अच्छी रिलेशन। आज मेरा सक्सेस की वजह एक अच्छी रिलेशन मेरे टीम के साथ, मेरे सारे लीडरों के साथ और बाकी पूरे माई लाइफ स्टाइल के जितने लीडर हैं। एक अच्छा रिलेशन ही आपको बड़ा बिजनेस के रूप में कन्वर्ट होता है। इस बिजनेस में लागत कुछ नहीं है, आपको कोई बहुत पैसा यहाँ पे डालना है क्या, कोई बड़ा पैसा नहीं डालना। तो लागत क्या है यहाँ पे पता है, रिलेशन बनाना, यही लागत है। और आज मेरे टीम में देखेंगे
मेरे सारे लीडर्स, आज इंडिया के अंदर ऐसी कोई ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है जिसकी गाड़ियां हमारे लीडर्स माई लाइफ स्टाइल के नहीं यूज कर रहे। कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है। बड़े से बड़ा ब्रांड ले लो, लग्जरियस ब्रांड में जो आते, बीएमडब्ल्यू ओनर यहां खुद बैठे हुए हैं, शेट्टीगर सर, मर्सिडीज बेंज देखो, ऑडी है, जगुआर है, सारे वेल ब्रांड। मैंने भी एक गाड़ी खरीदी जिसका नाम है पोर्शे कायनी, आपके हॉल के बाहर भी खड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है। आज ही आते समय में सूरत के पास एक होटल में हम लोग चाय पीने के लिए रुके, मेरा ड्राइवर था, उसको पूछ सकते हो, दो आए आदमी, बोलते हो गाड़ी आपकी बाहर, बोला हाँ। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया, बोला इधर सुन, अब कुछ गुजराती भाई में ही थे, बात किए, बोले इसको कीमत बताओ, बोला क्यों बताओ, क्या पता कहाँ से आया ये, फिर बोलेगा इनकम टैक्स दिखाओ। अब ऐसे गाड़ी तो अपनी लोन पे ही है, गाड़ी हमेशा लोन पे ही लेने का, ये सीए ने सिखाया। बोला भाई ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है, देख देख, बोले बता ना देख। मैं बोला क्या हुआ, अबे साहब इसको अक्कल नहीं है, और ये ना कभी मारुति भी नहीं खरीद सकता। बोला हुआ क्या, बोलता 50 लाख के ऊपर की कीमत नहीं है। बोला काम का ऑनलाइन जाके चेक कर ले, मैं बोलूंगा तुझे झूठ लगेगा। यानी एक बार तो लोग देखते हैं, ये इसकी खास। आज ऐसे सारे ब्रांडेड ऑटोमोबाइल के हमारे सारे लीडरों ने मेंटेन की है, ये इसकी खासियत है। और ये जितने भी मेरे टीम के लीडर है, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे, इनके घर देखोगे तो लग्जरियस घर है, हमारे सारे माई लाइफ स्टाइल के टॉप लीडरों के। लेकिन मेरी टीम की एक खासियत, मेरे जितने भी लीडर्स हैं, इनकी और मेरी मुलाकात केवल इसी बिजनेस के वजह से हुई, ना तो मुझे पहले जानते थे ना मैं उनको जानता था। मेरे कोई दोस्त ऐसे है ही नहीं जो मेरे वजह से करोड़पति बन गए, वो आ ही नहीं तो गाली देके भगा दिए। कोई रिश्तेदार ऐसे है ही नहीं है, आ ही नहीं बिजनेस में, ऐसा नहीं कि मैं गया नहीं, वो आ ही नहीं। यानी एक चीज समझ में आई, और ये जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपने लोग जल्दी आते नहीं है, अगर आ भी गए तो कुछ करते नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर एहसान जताएंगे। दिया ना तुझे 10,000 दिया, पर मुझे कहीं को दिया तूने, तूने प्रोडक्ट खरीदा, उसको लगता प्रोडक्ट फुकट का ही है, इसको मैंने 10,000 दिया, और सारी दुनिया को बताएगा घूम घूम के, किसी पार्टी किसी शादी में चले गए तो दिखाएगा, ओ ओ ओ खड़ा है ना 10,000 दिया। वो जाता था मेरे पीछे, जी ना हराम कर दिया था, तेरे पास भी आया क्या, नहीं आया, बच के रहना, आएगा, बोलेगा या नहीं बोलेगा, सबको बताएगा मैंने पैसा दिया, पैसा नहीं दिया भाई तूने सामान खरीदा, वो नहीं समझेगा। और मेरा ये मानना वो लोग कुछ नहीं करते, तो आप दुखी मत होइए, लोग उसमें दुखी हो जाते, अबे यार मेरा दोस्त आया कुछ नहीं किया, मेरा रिश्तेदार आया ही नहीं, दुखी मत हो। लोग इस बिजनेस में, लोगों की इतनी भरमार है हमारे देश में कि आप जिसको चाहोगे आएगा ना, वो नहीं आता, और जिसको नहीं चाहते वो आके बड़ी टीम बनाता है और उससे आप लाखों करोड़ों कमा लेते हो। ये बिजनेस की खासियत है। ये तो लोगों की कमी नहीं है, मेरे लीडर ने बार बार मुझे ये बताया, अरे यार तू कौन से देश में रहता है यार, इसका नाम है हिंदुस्तान, जितने देर से आप बैठे हो ना कई सारे आ चुके, लोग यहाँ कभी खत्म होने वाले नहीं है, और बहुत जल्दी हम दुनिया में नंबर वन इसी मामले में बनने वाले। सोचो ऐसे इंडस्ट्री में आए, तो ये कहां से आएंगे, अगर आपका रिलेशन उनके साथ बनाओ। मेरे सारे अननोन लोग, वाया वाया लोग आए, जिसने लाया वो गायब हो गया, लेकिन उसके नीचे से 4 लोगों को मैंने पकड़ा और उनके साथ मैंने दिन रात एक किया, उसका मेरा वेवलेंथ बोलते ना वेवलेंथ, एक बार मैच होना चाहिए बस, उसके बाद काम तो ऐसे बनता है पूछो मत। और ये रिलेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, रेस्पेक्ट देना सीखो, सम्मान, आज की दुनिया में लोग इसके बहुत भूखे हैं सम्मान के, चाहे वो पैसा कमाता हो नहीं कमाता हो, उसकी आर्थिक हालत क्या है, उसकी सोशल हालत क्या है, वो कोई मायने नहीं है, आप उसको सम्मान दो। लोगों को घर में सम्मान नहीं मिलता है, माँ बाप बोलते लड़का ना लाएगा, बीवी बोलती नसीब फूटा हुआ है, और हर आदमी यही बोलता है एक दूसरे के बारे में, सम्मान नहीं मिलता, ऑफिस में जाता है बॉस गाली देता है, उसको सम्मान नहीं है। अगर आप यहां पे सम्मान देते हो तो उसको अच्छा लगता है, हाँ
एक तो बिजनेस है जहां मुझे सम्मान मिल रहा है। और हमारे माइंड लाइफस्टाइल की खासियत बताऊं क्या है, हम लोग सम्मान देने के बहुत मास्टर हैं। जो टीसी बना होगा अच्छी तरह जानता होगा, कितने यहाँ टीसी है, टीसी एंड अबाउट लीडर्स। अरे वाह, काफी टीसी बैठे यार, कैसे सम्मान हुआ था आपका, मजा आया था ना, कितना हार मिले थे ना, शादी से भी ज्यादा ना। आज भी डीपी का फोटो वही होगा ना, हाँ कई बार तो उसको जूम करके देखते कितना अच्छा दिख रहा था। कई बार तो हम अपनी फैमिली को लाते, आज मेरा सम्मान है माई लाइफ स्टाइल में, पता है क्या, मैं टीसी बन गया, माँ बाप बीवी बच्चे सब उसका सम्मान होता है, बहुत खुश होता है बेचारा। उसके घर वाले बोलते यार इसने क्या किया अभी, आज तक मैं पागल था, अपने घर का सदस्य का सम्मान नहीं कर पाया, दुनिया इसकी इतनी इज्जत करती, बाप रे बाप, हम लोग इसको रोज गाली देते थे, ये ऐसा इंसान है, इतना सम्मान उसका। बेचारा, कई लोग तो उधर स्टेज पे आ, जिंदगी में कुछ नहीं, सम्मान क्या सम्मान। और कई लोगों के में बच्चे देखते हैं, बच्चे ऐसे देखते हैं, हाइला मेरा पप्पा है, कहाँ है, ग्रेट। घर पे जाता है, घर वाले पूछते तू सचमुच क्या किया बता ना, अरे मैं टीसी बना, टीसी माई लाइफ स्टाइल में, टीसी रेलवे में लगा, रेलवे नहीं यार, माई लाइफ स्टाइल का, माई लाइफ स्टाइल में क्या होता हो, मैंने बिजनेस किया, टीम कोऑर्डिनेटर बोलते, पता मैंने 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच किया, बाप रे इतना पैसा लाया, अरे मेवा नहीं वे, मैंने बिजनेस किया, अच्छा अच्छा बिजनेस किया, तुझे क्या मिला, 30,000 रुपए कमाए मैंने, वाह 30,000 रुपए इतना हार देते तुमको, अरे देते वे पोस्ट है वो, अच्छा कहाँ गए 30,000, ये तो सबसे बड़ा सवाल, साला गए तो जाने तो घर के भी गए 10-20 हजार, वो तो 30 आए गए, बाकी के भी चले गए, होता है ना। लेकिन घर वाले बोलते ठीक है मैं गया जाने दे, लेकिन तुझे बहुत बढ़िया हावे मिला, बड़ा मजा आया, अब उसके घर में इज्जत बढ़ जाती है अगले दिन से, क्यों, लोगों को क्या चाहिए, सम्मान, अपने अप्लाइंग को सम्मान देना सीखो यार, जब भी आए ना अप्लाई एक ही काम किया करो, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, एक मिनट सर, ग्रेट सर, आइए सर, थैंक यू सर, बैठिए, इतना तो बोलिए, रेस्पेक्ट देना सीखो, अपने डाउन लाइन को रेस्पेक्ट दो यार, कई लोग तो डाउन लाइन को नौकरों जैसा बिहेव कर, डाउन लाइन जाने को डरता है, बाप रे साहब है उधर, तो साहब है तो क्या खा जाएगा, सम्मान दो, डाउन लाइन को सम्मान दो, अपलाइन को सम्मान दो, कंपनी को सम्मान दो, क्रॉस लाइन को सम्मान दो, हर किसी को सम्मान दो यार, जो बिजनेस में आए उसको भी सम्मान दो, जो बिजनेस में नहीं आए उसको भी दो। कई लोग दुश्मन बना लेते, अगर ना बोल लिया कसम है इसके दरवाजे पे आज से मैं जाऊंगा नहीं, क्यों ऐसा कसम खावा है तू, किसने बोला तुझे भीष्म पितामह वाला प्रतिज्ञा लेने की, उठपटांग काम कर दो यार, जाओ जरूर जाओ, मिलो, हाय हेलो रखो, दोस्ती रखो, सर बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आ रहा है सर, बहुत अच्छा, अभी जावा बहुत जल्दी में, ये महीने का टारगेट है सर 80,000 कमाना है, जय माई लाइफ स्टाइल, चले जाओ, रुको मत, तो बोलेगा बहुत वे मैंने ना बोला फिर भी 80,000 कमा रहे, ये कब होगा, जब सम्मान, लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए। दूसरी चीज, अंडरस्टैंडिंग अपनी टीम के साथ बनाइए, और मैंने ये हार्मनी ग्रुप से सीखा अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ग्रेट है सर, आप लोगों को सैल्यूट है, आपके सारे लीडर्स को, सच में क्या अंडरस्टैंडिंग है, इवेंट क्या होता है, पिछले 2 दिन से मुझे फोन आ रहा है आप कब आओगे, कितने बजे एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, हम आपको लेने आ रहे, बोला आहा इतना तो मेरे घर वाले ने कभी नहीं पूछा यार। ये होती टीम के अंदर एक काम करने की कल्चर जो बना है, ये मैंने हार्मनी ग्रुप से सीखा है, और मैं आपका एग्जांपल सब पूरे इंडिया में देता हूँ घूम घूम के, टीम ऐसी होनी चाहिए, टीम इसी तरह से बनती है,
अच्छी अंडरस्टैंडिंग करो अपने लीडरों के साथ, कैसा भी हो। हर आदमी एक जैसा नहीं हो सकता, याद रखो। भगवान ने हमें पांच उंगलियां दी है, राइट है? क्या पांचों एक जैसी है? अभी जब भगवान एक जैसी उंगली नहीं बना सकता है, तो आप लोग कैसे एक जैसे बनाने चले हो यार? ये कभी नहीं होगा। लोग आड़े टेढ़े ही आएंगे अपने पास, ये लिख लो। हमको उसके अनुसार अपने को एडजस्ट करना है। लोगों को मत बदलो, लोग उल्टा करते, लोग बदलने निकल जाते, तू सुधर जा। अभी लोगों का सुधारने का काम हमारा है क्या? नहीं, हम नहीं सुधार सकते यार। ये आस्था चैनल, संस्कार चैनल, उनका काम है। वहां बड़े बड़े बाबा लोग लगे हुए लोगों को सुधारने के लिए, अब हम चले लोग सुधारने। वो तो सुधार नहीं पाए, वो बेचारे दुखी हो गए, बोले साला हम इतने साल से बोल रहे लोग सुधार नहीं हुए, छोड़ो लोगों को, हम खुद ही माल बनाएंगे, खुद ही बेचेंगे, खुद ही बेच रहे। सोचो क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी लोगों के प्रति, है या नहीं है? और हम अंडरस्टैंडिंग अपने टीम में नहीं बना पाते, उन्होंने दुनिया से बना ली। ग्रेट सैल्यूट करता हूं उनको, आज गली गली में उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है पतंजलि के नाम से, है या नहीं है? आपको क्या लगता है, बातों बात हो गया? क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या रेस्पेक्ट किया होगा उन्होंने लोगों का, तब रिलेशन बने, कम्युनिकेशन किया लोगों के साथ, बातचीत किया उन्होंने। कितने साल से कर रहे हैं बाबा जी, कितने साल से लगे हुए? 25-30 साल तो हुए होंगे ना, सोच के देखो। 25-30 साल से गांव गांव में घूम घूम के, घर घर में जाते थे पहले, ऐसे थोड़े उनके फॉलोअर थे। सुबह लोगों के घर में 4 बजे जाके उठा के उल्टा पुल्टा करवाते थे, फिर धीरे धीरे लोग मिले, 1-to-1 किया पहले उन्होंने, घर घर जाके 1-to-1 प्लान दिखाया, 1-to-1 किए 25-30 सालों से, तब जाके कुछ लोग उनको मिले, फिर गांव में एक मंच पे उल्टा पुल्टा करने लगे सुबह 4 बजे, खड़े हो जाओ। आधे लोग नींद में कहां से आ गया, कर रहे किया कि नहीं किया? किया उन्होंने, 1-to-1 किए भाई, फिर छोटी छोटी होम मीटिंग लेने लगे, फिर ग्रुप मीटिंग की, फिर गांव की मीटिंग की, तब जाके टाउन हॉल में मीटिंग होने लगी उनकी। 25-30 साल लगे उनको गांव गांव गली गली घूम के, वो भी लुंगी पहन के, सोच के देखो, तब जाके यहां तक पहुंचे ना। 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनाई, लोगों को क्या क्या नहीं करवाया, ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, बाद में भी लोग बोलते बाबा जी ठीक नहीं हुआ, पेट में गड़बड़ है, रुक तुझे चूर्ण बना के देता हूं। फिर आके बोले रुक बाबा जी ठीक नहीं है, दांत में तकलीफ है, रुक तेरे लिए दंत कांति लाता हूं। ये लगा दिए या नहीं दिए? क्या ग्रेट पर्सनालिटी है यार, आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो टीवी पे इतनी बड़ी दाढ़ी रख के बोलता फेवनेस क्रीम लगाओ। क्या ग्रेट पर्सनालिटी है यार, भैया नहीं है? मेरा माल मैं ही बेचूंगा, कभी किसी स्टार को नहीं लाता, तुम बेचो, बोलता मुझसे बड़ा कौन स्टार है यार, भैया नहीं है? अभी गांव गांव घूम के 25-30 साल लगे यार, आप 5-6 साल एक रिलेशन बना लो, आपकी टीम बन जाएगी यार, आपकी टीम बन जाएगी। इतना सा काम है बस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर। लोग बोलते सर कुछ ऐसा बताओ ना, कुछ अलग बताओ। क्यों अलग कर रहा है? अलग है ही नहीं, वो अलग करने की कोशिश भी मत करो, अलग करोगे तो समाज अलग कर देगा तुम, तुम्हारे घर वाले अलग कर देंगे तुम, कुछ अलग नहीं है। सिंपल बिजनेस है अपना, एकदम सिंपल रखो, अपने टीम के साथ अच्छा रिलेशन, उनको सम्मान दो, डाउनलाइन को भी सम्मान दो, अपलाइन को भी दो, जो आते उनको भी दो, जो नहीं आते उनको भी दो, और जो जुड़े उनके साथ व्यवहार कम्युनिकेशन रखो, हर मीटिंग ट्रेनिंग का नॉलेज दो, उनसे मिलते वो बातें करते वो, भले वो गलत बोलेंगे, सुनो, गलत सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। यही तो बिजनेस का कमाल है यार, वही बिजनेसमैन होता है जो उन चीजों को सुनता है। जिनको केवल अच्छी चीजें सुनने की आदत है वो कभी बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। ये लिख लो आप, हर चीज सुनना पड़ेगा। मैंने भी बहुत चीजें सुनी यार,
मुझे तो क्या नहीं बोला गया, मेरे घर के लोगों ने बोला अब ये तो पक्का गया काम से। बीच में ठीक था 2-4 साल, अभी नौकरी करवाता ठीक था, वापस चला। और सुबह अपने आ जाते ना बैग वैग लेके निकलते हैं तो मजाक, ये देखो अब ये वापस बैग वैग लेके जा रहा है। मैं कभी कोट पहन के घर से नहीं निकला। हम कोट कैसे ले जाते, मुझे एक बार लीडर ने पूछा तुम लोग कोट को थैली में क्यों रखते हो? प्लास्टिक की थैली में लाते ना अपन। बोले तुम नहीं जानोगे हम सब दुखी लोग हैं, अगर मैं कोट पहन के घर से निकलूं लोग बोलेंगे साला मेवा लिया देता नहीं कोट पहन के। कोट कहाँ रहती है? थैली में। मीटिंग हॉल के बाहर निकालने का, पहनने का, स्टेज पे जाने का, जय माई लाइफस्टाइल। बाहर जाने का, कोट मोड़ने का, थैली में डालने का, चलिए कितना अच्छा बिजनेस है। और सबके साथ यही होता है यार, रिलेशन जिन जिन लोगों ने बनाया यहाँ पे सब ऐसे ही लोग आते हैं यार, और ऐसी टीम बनती है। और ये रिलेशन का नतीजा है कि आज इतनी अच्छी टीम बनी है, और आज रिलेशन का नतीजा है कि आपके गुजरात में हमारी हारमोनी ग्रुप ने इतना बड़ा कारवा तैयार किया है। और आज गुजरात के नहीं, मुझे लगता है इस वेस्ट इंडिया के सबसे ज़्यादा टर्नओवर देने वाला ये ग्रुप है, हारमोनी ग्रुप आपका। ये बिजनेस जो मैंने सीखा ये है जोड़ने का, तोड़ने का नो ईगो, ईगो मत आने दो। अभी हमारे हरीश सर की मैं बातें सुन रहा था, बहुत बेहतरीन सर ने बताया, आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन पैर कहाँ होने चाहिए? ईगो मत आने दो। लोग 2-4-6 महीने काम करते हैं, 2-4 साल काम करते हैं और उनको ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ और मैं दुनिया को जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार। आप ऐसे कोई बड़े इंसान नहीं बन गए, आपने 2-4 लाख कमा भी लिया या 2-4 करोड़ भी कमा लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है। और आज के ज़माने में 2-4 करोड़ की क्या वैल्यू है? है कुछ वैल्यू? कुछ बड़ी वैल्यू नहीं यार। तो आप ईगो जिन लोगों ने लाया वो खत्म हो गए, प्लीज ईगो मत आने दो। और ईगो होता है, सबके अंदर होता है, सबको लगता है मेरे अंदर नहीं, इसका सबसे बड़ा ये पॉइंट है, सबको लगता है मेरे पास ही नहीं दुनिया के पास है, सबके पास है, किसी के पास थोड़ा है, किसी के पास ज्यादा है। कोशिश करो जितना कम कर सकते हो अपने ईगो को। 4 फैक्ट्री आपके पास होनी चाहिए, ये है आपके टीम को, आपको परफेक्ट बनाती है, आपको खुद एक पक्का नेटवर्कर बनाती है। और एक बढ़िया टीम बनाने के लिए आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आइस, यानी शांत दिमाग, ऑलवेज शांत रखिए कोई कुछ भी बोले। जबान पे क्या होनी चाहिए? मीठी जुबान रखिए, मीठा बोलने की आदत डालिए। तीसरी, दिल में क्या होनी चाहिए? लव, प्यार, वो वाला प्यार नहीं, बिजनेस वाला, नहीं तो कई लोग वही प्यार करके खत्म हो गया, बिजनेस ही नहीं आगे की। दिल में प्यार वाला, एक धड़कती आग होनी चाहिए दिल में कामयाब बनने की, जबरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और फिर पैर में क्या होना चाहिए? चक्री, घूमते रहने चाहिए आप, घूमते रहने चाहिए। एक जगह जो बैठ गए वो बिजनेस नहीं कर सकते, याद रखिए, एक जगह का बिजनेस नहीं, घूमो। ये बिजनेस हमेशा ये कहता है आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, अपने आस पड़ोस में जाइए, अपने गांव में घूमिए, अपने शहर में घूमिए, अपने 150 किलोमीटर के अंदर घूमिए, घूमने का बिजनेस है। लोग घर के अंदर बैठ के सोचते लोग मेरे घर पे आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि लोग आपके घर पे आएंगे बोलेंगे मुझे माई लाइफ स्टाइल में ले लो, ऐसा होगा? कई लोग सोचते सब ये इतना अच्छा बिजनेस है तो लोग मेरे पास क्यों नहीं आते, ये इतना भी अच्छा नहीं है कि लोग हमारे घर पे आएंगे, हमको लोगों के पास चक्री होनी चाहिए पैर में, घूमते रहो। जिन लोगों ने 4 चीजें अपने अंदर लगा ली वो कामयाब हो गए। और यही काम एक अच्छी टीम बनाने के, एक अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है, आप ये काम कर लो। उसके बाद सब स्किल सीखने पड़ते हैं आपको, अगर ये चीजें आ गई टीम बन गई, स्किल सीखना पड़ेगा आपको। फटाफट जाता हूँ, लिस्ट बनाना, प्रोस्पेक्टिंग करना, जैसे मुझे बताया गया लोग ढूंढो मैंने ढूंढा, सेल्स ओपनिंग करना, ऐसे दिमाग को पहले खोलना पड़ता है तब अंदर बात घुसती है। सेल्स क्लोज करना, ये टेक्निक आपके लीडर आपके बेसिक ट्रेनिंग में सिखाएंगे, लोग सवाल पूछेंगे। और मैंने एक चीज सीखा, आज तक 10 सवाल से ज्यादा सवाल नहीं आए, यही 10 सवाल ही है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, कंपनी डूब गई, भाग गई, प्रोडक्ट मांगे, प्रोडक्ट खा लिया, कुछ हो गया, तो यही सवाल आते ना, इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं। इसके जवाब देना सीखो आप कामयाब हो जाओगे। और उसके बाद एक्टिव लोगों की टीम तैयार करिए, प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, जैसे सबने अभी बताया ही था आपको प्रोडक्ट के बारे में।
और बिजनेस प्लान का नॉलेज लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सारी इनकम लेने की आदत डालिए। लोग एक ही इनकम लेते हैं, सेल्स टर्नओवर बोनस वीकली, ऑफ जी वन ऑफ जी टू का 12% बस। रैंक इनकम जानते, रैंक इनकम लो यार, आप बहुत बड़ा इनकम मिस कर रहे हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार सिल्वर बनना पड़ेगा। कैसे बनता है स्टार सिल्वर, 3 लेग पे, 3 ब्रांच पे आपके डायरेक्ट 2.5 लाख बिजनेस वाले में हो गए। आपको 2% एक्स्ट्रा आता है यार, उसकी आदत डालिए आप। परफॉर्मेंस बोनस देवी कंपनी हर महीने, आप परफॉर्मेंस बोनस भूल जाते हो, वो लीजिए। लॉयल्टी इनकम देवी अभी कंपनी आपको, सिल्वर से लेके डीटीसी से लेके, वो लेने की आदत। अगर आप रैंक इनकम, परफॉर्मेंस बोनस और लॉयल्टी, ये 3 इनकम भी लेते हो ना, मैं लिख के देता हूं, आपकी महीने की इनकम 25 से 30 हजार कहीं नहीं है। 25 से 30 हजार गारंटेड। ये बिजनेस प्लान का नॉलेज लो, आपके लीडर बताएंगे ये कैसे होगा। 4-hour formula यूज करो, रिक्रूटमेंट करो, फिर रिटेल करो। केवल माल मत बेचो, बेचने के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाइए और उनको टिकाइए। रैंक अचीवमेंट करो, अलग अलग रैंक, स्टार सिल्वर, स्टार पर्ल, एमवर्ल्ड, गोल्ड पे जाइए आप। प्लेसमेंट करना सीखो, ये 4 लोग हैं आपके, तो 4 कैसे होने चाहिए, पक्का लीडर जो होता है अच्छी टीम बनाने के लिए, ये 4 एक दूसरे के जानने वाले नहीं होने चाहिए, याद रखिए। लोग एक ही घर के 4 तरफ डाल देते हैं, काका, मामा, बुआ जी, ताऊ जी, खत्म, जय माई लाइफ स्टाइल, ऐसे नहीं। ये 4 अलग अलग होने चाहिए, एक तो एक दूसरे के जानने वाले ना हो, दूसरे एक ही जगह के ना, एक ही इलाके के भी नहीं होने चाहिए। एक गांधीनगर का है तो दूसरा अहमदाबाद का होना चाहिए, तीसरा बड़ौदा का होना चाहिए, या कहीं राजकोट या सूरत का होना चाहिए, या मुंबई का होना चाहिए। अलग अलग जगह के रखो, एक ही जगह के मत रखो। लोग एक ही मोहल्ले में, एक ही घर में 4 लोग 4 लाइन, तब मैं डायमंड बनूंगा, डायमंड नहीं कुछ नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिए, डुप्लीकेशन करिए, सिखाइए अपने लोगों को, जो आप करते वही उनको सिखाइए। अब ये लोग सीखते नहीं, उनको पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, तब आदत लगती है। ये जो स्किल सीख गया वही इस बिजनेस में अच्छी टीम बना लेता है। ये स्किल बिजनेस है, हर आदमी करता है, हम ही करते ऐसा नहीं है। क्रिकेटर देखो, क्रिकेट खेलता है, कितनी स्किल सीखता हो, वो बोलता है क्या, नहीं नहीं मैं केवल स्पिनर को खेलूंगा, फास्ट बॉल, ए चेंज कर बॉलर, बोलता है क्या ऐसा, नहीं ना, उसको सब खेलने आना चाहिए ना, हर टाइप के बॉल खेलता है ना वो, क्या बोलते उसको उसकी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये वही करता है जो डेली वर्क करता है विद ऑल हर्डल्स, कितनी भी मुसीबतें आए लेकिन काम हर दिन। ये मुसीबतें आपके, ये आपके घर के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के लोग, ये आपकी मुसीबतें हैं, इसके बावजूद काम करे। और हम ही करते ऐसा नहीं है, आज के हमारे जो हीरो हैं, हमारे विराट कोहली जी, कितने लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। कहां के रहने वाले हो, नहीं, एमपी में एक जगह है, कटनी उसका नाम है, कटनी करके छोटा सा शहर है जहां से उनका जन्म हुआ, जहां पे उन्होंने क्रिकेट सीखा, और उस कटनी से फिर वो दिल्ली गए, दिल्ली में फिर उनको रणजी में लिया गया, फिर धीरे धीरे वो इतिहास बन गए। उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उनके जब पिताजी दुनिया से चले गए, उनकी अंतिम दर्शन करने व्यक्ति नहीं आ पाया, क्योंकि कहीं और क्रिकेट खेले हुआ था किसी दूसरे देश में। क्या सेक्रीफाइस किया ना उसने। उनकी एक ही बहन है और उनके पिताजी का एक सपना था, मेरी बेटी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए, और सारे परिवार के लोग उसकी शादी में उपस्थित थे, केवल विराट कोहली जी वहां पे नहीं थे। पता है क्यों, न्यूजीलैंड में टूर्नामेंट खेल रहे थे। क्या सेक्रीफाइस किया ना, हमको पता ही नहीं है सब, हम एक ही जानते हैं उसका अनुष्का का क्या लफड़ा है बस। इसके अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है। इस पोजीशन पे जाने के लिए कितनी मेहनत की यार, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए उसके भी लाइफ में, तब जाके इतना बड़ा स्टार बना यार। ये हमें भी आएंगे, लेकिन इससे आगे बढ़ना है तो ही आप एक टीम बना सकते हो। अगर आप डेली, लोग संडे टू संडे काम करते हैं, जीटीएस टू जीटीएस, आज मीटिंग है क्या, ओ आज याद आया माई लाइफ स्टाइल, उस दिन उसको याद आता, वो भी कोई लीडर पूछता है तो ठीक है साहब, देखता हूं शाम को कोई है तो भी आता हूं, नहीं है तो कहीं को आऊं। है या नहीं, कई लोग अकेले आते, सालों साल अकेले आ रहे, क्यों आ रहे भाई अकेले, नहीं मैं देखने आ रहा हूं ये लोग कब बंद करेंगे। ऐसी तो हमारी सोच है, हम काम ही गलत कर रहे, फिर बोलते कामयाबी नहीं मिल रही है। रोज काम करने का आदत डालो, मैं लोगों को बोलता है रोज काम करो, आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, डिपेंड मत बनो।
किसी के भावों से मत हो, मेरा लोग बोलते मेरा डाउनलाइन काम करेगा, क्यों करेगा, तू कर ना। लोग बोलते मैंने 20 लोगों की टीम बना दी ना, अब वो काम करेंगे, तू क्या करेगा, मैं अपना खेती बाड़ी करूंगा। 20 लोगों के भरोसे सपने पूरे करने चलाए क्या, कभी नहीं होगा। खुद के ऊपर ये इंडिपेंडेंट ऐसे होते जो डिपेंड हो गए ना वो छुप जाते, दिखते ही नहीं कहां है। डिपेंड मत बनो, आपका बिजनेस अपने हाथ में लो, आदतें बदलो, पैसे कमाने की आदत डालो, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। हमारा समय इसमें चले जाता है, नॉन रेवेन्यू फालतू के कामों में। पैसा कमाने के लिए बहुत समय है लेकिन हम देते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे पैसे लगाइए, मीटिंग के, ट्रेनिंग के 100 200 500 हजार देने पड़ेंगे तब आप बड़ा पैसा कमाओगे। क्योंकि आप कौन से बिजनेस में आए पता है, 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है ये। ऐसा मैं नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट और मीडिया कहती है 2025 में। ये कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ 2025 तक ये 1,00,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। आप लाखों करोड़ की इंडस्ट्री में आए हो और इतनी छोटी सी सोच लेके, संडे टू संडे, जीटीएस टू जीटीएस, कुछ नहीं होने वाला। लाखों करोड़ की इंडस्ट्री है ये, पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है, अब हमारे देश में होने जा रहा है। जो पहले इसके साथ दिन रात एक कर देगा और इस बिजनेस का सबसे बड़ा कामयाब ही वो होगा। याद रखिए, ये आदतें डालिए। लास्ट, एनालिसिस मत करिए। लोग एनालिसिस बहुत सोचते, क्या हो जाते, अपंग बन जाओगे। ज्यादा सोचने का काम नहीं, फील्ड में जाओ, काम करो, पैसा आएगा यार। और ये लोग ही हमको सिखा देते, इस बिजनेस की खासियत बता दो, लोग आपको सिखाएंगे। क्लासरूम नहीं सिखाता है, लोग सिखाते हैं आपको। जो लोगों के पास जाएगा वही सीखेगा, जो घर में बैठ के एनालिसिस करेगा वो नहीं। कंपनी ने ये करना चाहिए, कंपनी ने सस्ते प्रोडक्ट लाना चाहिए, सस्ते। मुझे कई लोग, सर साबुन ऐसा है ना आपका, ऐसा सूंघ लो तो वजन कम हो जाता है, कुछ ऐसा लाओ ना 2 महीना चले, है ना, उठपटांग सवाल। एनालिसिस करने वाले ये कभी कामयाब नहीं बनते, फेल हो जाते। डेवलप द राइट एटीट्यूड, सही सोच बनाओ अपने आप के प्रति, अपने आप को पूछो मैं सही हूं या गलत। आपके लीडर के साथ बैठो, सक्सेसफुल सर मुझे बताओ आगे कैसे बढ़ना है, मैंने उनको बहुत परेशान किया, बार बार पूछा सर मुझसे काम नहीं हो रहा है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बिजनेस बढ़ेगा। रात को एक एक घंटा, दो दो घंटा हम लोग फोन पे बात करते थे। पूछो, सीखना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करो तो आप कामयाब बनोगे। और एक डिसिप्लिन के अंदर काम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डिसिप्लिन में काम करता है वही बड़ा सक्सेस पाता है। और डिसिप्लिन हर बिजनेस के अंदर जरूरी है, हर प्रोफेशन में जरूरी है, जहाँ डिसिप्लिन है वहाँ पे बड़ी कामयाबी है। और आपके टीम की एक बात कहूँगा, हार्मनी ग्रुप एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम, अगर पूरे इंडिया में किसी टीमों के पास मैंने देखा है, कुछ गिने चुने टीम है उसमें से आपके जबरदस्त आपकी टीम है हार्मनी ग्रुप। एक जोरदार इनके लिए ताली होने चाहिए, आपके लीडर के लिए जिन्होंने एक बेहतर सिस्टम बनाया है आपके लिए, बहुत ही बेहतर सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आप एक्सक्यूज मत दो, एक्सक्यूज और सक्सेस साथ में, बहाने मत बनाओ। लोग बहाने बताते, बिजनेस नहीं होने के बहाने, मैंने भी बहुत बहाने दिए अपने लाइफ में, बिजनेस क्यों नहीं करना है। 2.5-3 साल के बाद तो मैं वापस बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पहले मैं भी बहाने दे रहा था। जब बिजनेस शुरू किया तब भी बहुत बहाने दिए, बिजनेस क्यों नहीं होता है, तब पता चला बहाने और सक्सेस दोनों साथ में नहीं आते, दोनों अलग अलग है। अगर आप बहाने ढूंढते रहोगे तो द एंड है, नेवर एंडिंग, ये खत्म नहीं होंगे। आपको बहाने ढूंढने, बिजनेस कैसे होगा, मैं कैसे पैसे कमाऊंगा, वो बहाने ढूंढो। नेवर गिव अप, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कई लोग 2-4 महीने 2-4 साल भी करके बंद कर देते, बहुत कभी पहुंच जाते डायमंड के, लेकिन यहाँ पे आके रुक जाते, कई लोग यहीं पे रुक जाते, करते रहो। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिजनेस 24 घंटे का नहीं है, 12 घंटे का भी नहीं है, 4 से 5 घंटे दे दो ईमानदारी से डेली के। अगर 4 घंटे भी दे दिए तो बहुत है इस बिजनेस के लिए, लेकिन डेली दो और लगातार दो, 1-2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, कम से कम 4 से 6 साल दो आप। अगर इतना दे दिए, आप नेवर गिव अप रखोगे, काम करने की आदत डालते रहोगे, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी अपने बिजनेस में लाखों नहीं करोड़ों का मालिक जरूर होगा यहाँ पे। ये बिजनेस की ताकत है, ये
विजुलाइज करो अपने आप के अंदर, ड्रीम को देखो मैं क्यों आया था। जब भी आपके अंदर ये चीजें आए, जब भी मुझे लोगों ने कहा ये बकवास है, ये काम नहीं करता है, तू भी छोड़ दे, तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे मैंने बहुत देखे, बहुत आए गए, मुझे भी बहुत नेगेटिव बातें की गई, और ये बातें बाहर के लोगों ने कम किया, मुझे तो मेरे घर से बहुत ज्यादा नेगेटिव किया गया। और जब जब ये नेगेटिव लोग मुझे बोलते गए, मेरे रिश्तेदारों ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, मैंने एक ही चीज सोचा, मैं क्यों काम कर रहा हूं। और मेरा मकसद एक ही था, मुझे लाइबिलिटी फ्री होना था। मुझे दिन रात यही दिखता था, अगर मैं नहीं किया तो ये पैसे मैं कहां से लाऊंगा। और उसी को देख के मैं बार बार मोटिवेट होता, यार ये लोग कुछ भी बोले, मुझे तो पैसे चाहिए ना, मैंने काम किया। मैं एक चीज जानता हूं, अगर आज आपको जरूरत है तो आप खुद ही ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं दे है, कोई देने वाला, कोई किसी को नहीं देता यार, तो मुझे ही लाना है, तो क्यों उनकी बातों को सुनूं। अपने आप को मैंने फोकस रखा और हमेशा काम किया। आई नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, आई वर्क फॉर इट। लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उसके लिए देना कुछ नहीं चाहते। याद रखो, दुनिया का एक नियम है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, आपका थोड़ा सा समय और थोड़ी सी मेहनत चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये अगर दो चीज दे दिए तो आपके सारे सपने यहाँ हकीकत बन सकते हैं। क्या दोगे दो चीज? yes. समय और मेहनत? yes. पक्का? yes. कितने लोग? सभी हाथ उठाते, यही तो गड़बड़ है। सब हाँ बोलते हो, यहां से जाते ही भूल जाओगे। अगर आप ये दो चीज देते हो तो लास्ट में एक चीज कहूंगा, ये इस चीज को भूलो मत। क्या करना है? वापस डू अगेन करते हो। और आपके ग्रेट लीडर ने तो आपके लिए आज बहुत बढ़िया, मुझे लगता है इंडिया में अब ये हिस्ट्री, आज तक किसी ने ऐसा टारगेट नहीं रखा। पहली बार एक टीम ने फॉरेन ले जाने का टारगेट रखा, यार फॉरेन थाईलैंड ले जाने के लिए आपके लिए एक टीम लीडर सोच रही है। ऐसे लीडर्स है यार, मैं चाहूंगा आपके लीडर्स के लिए एक बार खड़े होकर जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू, ऐसे लीडर्स आपको मिले यार, जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते, तो आप जाने के लिए तैयार हैं? yes. सक्सेस पाने के लिए तैयार हैं? yes. तो क्या करना है? लास्ट में एक ही चीज जो मैंने किया, डेडिकेट योर सेल्फ टू योर, अपने आप को समर्पित कर दो। मुझे लोग पूछते हैं, सब आप इस बिजनेस में डायमंड कैसे बन गए, आपने क्या किया? मैं एक ही कहता हूं, मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे। हाँ, दो मिनट मैं जा रहा हूं, वैसे भी मैं भी थक गया हूं, दो मिनट आपसे ज्यादा गाई मुझे भी है। लोग मुझे पूछते आपने ऐसा क्या किया, मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने वही किया जो मुझे बताया गया, और इसके आपको मैंने समर्पित किया। मैंने अपनी लाइफ, अपने आप को मैंने माय लाइफस्टाइल को दे दी, और माय लाइफस्टाइल ने मुझे क्या दिया अगर पूछोगे तो सच बोलता हूँ, मैं कभी सोच नहीं सकता था वो आज मुझे मिली है। मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी फैमिली रोम रोम माय लाइफस्टाइल के, हम लोग जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आज ये मेरी लाइफ में मिला है। डेडिकेट योर सेल्फ टू योर गोल, यही काम कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो जो चीज आप चाहते हो, और उसके लिए दिन रात एक कर दो। ये नेचर का नियम है, निसर्ग का नियम है। अगर आप जो चीज चाहते हो, अगर आप उसे दिल से पाने के लिए दिन रात एक करते हो, आपके माइंड में 24 घंटा वही चलेगा, आपके काम में वही चीज दिखेगा, आपके एक्शन में दिन रात आप लगे रहोगे। जैसे मैं दिन रात भागा, मुझे लोग कहां से आए, कैसे आए, मुझे ही नहीं समझा, लेकिन लोग आते गए, टीम बनती गई, बहुत सारे लोगों ने ना कहा, बहुत सारे लोगों ने दुत्कावा, क्या क्या नहीं सुने, लेकिन करते रहे। मैं जब बिजनेस शुरू किया था, मेरे जेब में 100 रुपए भी नहीं होते थे, कई बार मैंने अपने लीडर से उधार लिए, सब जरा दो ना 100-500 रुपए दो, दिया उन्होंने, और मैंने वापस भी किया। एक चीज ये, उधार को वापस करने की आदत होनी चाहिए, और वो मैंने यहाँ पे डाली वो आदत। एक एक रुपए की कीमत जानता हूं ना, तो मेरे पास कोई टू व्हीलर थी, ऐसा नहीं कि टू व्हीलर ले नहीं सकता था, बहुत झोलझाल के यार ले सकता था, लेकिन लपड़ा ये था लेके घूमेगा तो साले तो टू व्हीलर चल गाड़ी ला, इसके लिए टू व्हीलर भी नहीं कभी रखा। BST बस, लोकल ट्रेन, हमारे मुंबई में 3 लाइन चलती होगी, पता है तीनों लाइन का पास था मेरे पास। हाँ खत्म हो गया, जा रहा हूं, एक कोड वर्ड है। तो हर काम किए मैंने,
जो मुझे बताया गया। डेडिकेट योर सेल्फ यार, अपने आप को समर्पित कर दो। आज जो जो लोगों ने माई लाइफ स्टाइल के लिए समर्पित कर दिया, वो थाईलैंड गए, मलेशिया गए, सिंगापुर। मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था इस बिजनेस में आने से पहले। इस बिजनेस ने मुझे हवाई जहाज नहीं बिठाया, पूरी दुनिया दिखाई यार। साउथ अफ्रीका जाके आया, थाईलैंड, मलेशिया। थाईलैंड तो हमारे लोग इतने बार गए ना, दो चार महीना नहीं जाओ तो वहां से फोन आता, साहब कब आओगे। इतने लोग गए यार, बोलते जरा 10-20 ज्यादा लाओ, धंधा हमारा इधर कम चल रहा है, आपको डिस्काउंट भी देते। घूम के आए, आईफिल टावर दो दो बार चढ़ गए। पहली बार तो पैदल ही चढ़ गए, एक्साइटमेंट में, कैसे बनाए, जैसे कि हम ही लोग बनाए। सारी दुनिया ये बिजनेस ने दिया यार, लाखों रुपए की आमदनी, आज महीने की लाखों रुपए आते। आज मेरा पूरा दुनिया बदला हुआ है, मेरे घर के लोग एकदम चेंज। अभी मेरी माँ बोलती है हर जन्म में यही पुत्र देना मुझे। कल तक मैं नालायक था, मेरे पिताजी अब घूम घूम के बताते, तुम्हारे लड़के को ना भेजो मेरे लड़के के ऑफिस में, सिखाओ उसको कुछ धंधा, देखो कैसे काम करता हो। आज अच्छा हो गया मैं, कल तक मैं बेकार था। मेरी बीवी अब बोलती सात जन्मों का बंधन। बोला वाह, पहले तो तेरा नसीब फूटा था, ओ तो मैं प्यार से बोलती थी। लोग ऐसे होते हैं। अभी मैं 2 तारीख को घर से निकला था, मैं 13 तारीख को घर वापस गया, 12-13 दिन बाहर था। उसी बीच में भी मेरी एनिवर्सरी थी, मैं ही भूल गया। जब से फोन आया, अब तो तुम हमको चाहते नहीं, तुम तो पैसे से प्यार करने लगे। मैंने बोला तू इन्हें सिखाया, पैसा कमाओ पैसा कमाओ, कमा रहा हूं अभी तो। अब उल्टा दुनिया होती, दुनिया उल्टी होती ना, ऐसा होता है। जब आपके पास पैसे आने लगेंगे ना तो सब अच्छा हो जाएगा, है या नहीं है? तो पैसे की दुनिया यार, जब हम उसी दुनिया में जी रहे तो क्यों हम दुनिया को बदलने चले? हम खुद को बदले यार। आज इतना अच्छा मौका मिला, क्यों नहीं हम पैसे कमाए? कौन रोका है आपको? अगर मुझ जैसा नालायक आदमी कमा सकता है यार, मुझ जैसा आदमी अगर सक्सेस बन सकता है तो यहाँ पे तो आप बहुत सारे अच्छे लोग हो यार, आप क्यों नहीं बन सकते हो? 100% बन सकते हो यार। बस आज एक सोच बना के जाओ, आपके लीडर के प्रति विश्वास, इस मैनेजमेंट के प्रति विश्वास रखिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 2020 में जो हमारे माई लाइफ स्टाइल के ग्रेट ग्रेट मेंटर का सपना है, 2020 हम दुनिया की सबसे बड़ी टर्नओवर करने वाली कंपनी बनने जा रहे हैं। और 2020 में आज जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात से लेकर नागालैंड तक ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिस राज्य में माई लाइफ स्टाइल के लखपति या करोड़पति डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ऐसा कोई राज्य नहीं है। और 2020 तक मैं लिख के देता हूं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, मैं तो बोलता कोई ऐसा तालुका नहीं होगा या कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे माई लाइफ स्टाइल के लखपति या करोड़पति डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अब उस ग्रेट व्यक्ति को जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, जिन्होंने लाखों करोड़ों की जिंदगी बदली है, मुझ जैसे नालायक लोगों को उन्होंने उठाया और कहा तू जिंदगी में कामयाब बन सकता है। जब हमारे घर के लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, जब हमें हमारे लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया, तब उस ऐसे अनजान ने आके हम पे विश्वास किया और कहा राजेश तू उठ और तू चलना सीख, तू तेरे जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। और उस एक व्यक्ति के उस कामयाबी के उस मंत्रा ने हम जैसे लोगों को जीवो हीरो बनाया। ऐसे हिंदुस्तान में करोड़ों लाखों लोगों की दुनिया को बदलने वाले मेरे भगवान, हमारे सर्व सर्वा माननीय श्री प्रवीण चंदन जी को तहे दिल से वंदन करता हूँ। क्या बिजनेस बनाया यार, ऐसा जबरदस्त बिजनेस हिंदुस्तान में आज हर इंसान के लिए जो सपने देख रहा है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, जो अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, सच कहता हूँ माई लाइफ स्टाइल का दामन थाम लीजिए, आपकी जिंदगी सुनहरी और ढेर सारी कामयाब हुई है, साथ होगी, इतनी खुशियाँ आपके दामन में भर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये हम सब लोगों के साथ हो चुका है, ये हम सब लीडरों के साथ हो चुका है, ये आपके साथ भी होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले भगवान से यही दुआ करता हूँ, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आए, ढेर सारी कामयाबी आए, ढेर सारे सपने आपके पूरे हो, आपके बच्चों के सपने पूरे हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय 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 जय। Live your dream, tension free, fly high with my life.